Hi investors, welcome to yet another session. तो इस सेशन में हम बात करेंगे how to read annual reports. So I've received a lot of requests कि how do we actually read annual reports because annual reports they contain a ton of data. तो हम कभी कभी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एनुअल रिपोर्ट से काफी बारी पता लग जाती है कि कंपनी की बिजनेस पॉलिसी क्या है, कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है. तो आई थिंक इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स. ऑफन वी सी दैट सम इन्वेस्टर्स आर आउट परफॉर्मिंग, सम इन्वेस्टर्स आर डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट्स एंड देर आर सम इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग प्रीटी बैडली इन द मार्केट्स. तो ओवर द लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स हु रीड एनुअल रिपोर्ट्स आर majorly better off than investors who do not read annual reports. Because one of the reasons is ki 99% of investors do not pick up an annual report, right? Agar aap aaj mein se, aaj jo ye log video dekh rahe ho, usme se 100 mein se 99 people wouldn't have even read the annual report of the company they have invested in. Matlab this is just an average, nothing is an insinuation. Guys, it is very, very important that we read all our annual reports, jo bhi hum companies own karte hain, jo bhi hum companies own karna chahte hain. So what Warren Buffett says, that other guys read Playboy, I read annual reports, right? Guys, very important to read annual reports. And but the problem comes, where the problem lies is, since annual report is such a big document, kyunki 200-300 page hai, is wajah se log ghabra jate hain aur usi time pe annual report band kar dete hain. But guys, I think that is a wrong notion to have. हम एक सैंपल केस स्टडी करेंगे आपके साथ थ्रू आउट द वीडियो. हम दीपक नाइट्राइट नाम की कंपनी की 2020 एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे एंड उस एनुअल रिपोर्ट को हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू डेटा पॉइंट्स. अब वो कौन से डेटा पॉइंट है एक बारी उनकी बात करते हैं हम. सो द फर्स्ट डेटा पॉइंट विच आई पर्सनली यूज व्हाइल रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स इज योर न्यू प्रोडक्ट्स. की बिजनेस अपडेट्स में इफ आई एम जस्ट रीडिंग द एनुअल रिपोर्ट तो मेरे को न्यू प्रोडक्ट्स क्या पता लग रहे हैं उसके अंदर. तो पहली चीज क्या है कि मैं देखता हूँ कि बिजनेस अपडेट्स क्या है एनुअल रिपोर्ट में. तो न्यू प्रोडक्ट्स में क्यों देखता हूँ, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट से क्या पता लगता है कभी कभी एनुअल रिपोर्ट में कि फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, राइट? कि फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, दिस इज वॉट न्यू प्रोडक्ट टेल्स मी. एंड मोर ओवर कभी कभी मैनेजमेंट ऑल्सो टेल्स यू इन द एनुअल रिपोर्ट दैट द प्रोडक्ट सेगमेंट जो अब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसमें देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर मार्जिन्स. तो एनुअल रिपोर्ट में हमें इस चीज की भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो बिजनेस अपडेट्स में व्हाट आई एक्टिवली लुक फॉर इज न्यू प्रोडक्ट्स. एक बार जब मैं एनुअल रिपोर्ट खोलूंगा दीपक नाइट्राइट की तो आई विल लाइक टेल यू कि वहां पे कैसे कैसे हम चीजें देख सकते हैं. देन सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस ऑफ डिविजन. सो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज दैट सम पीपल आर वेरी वेरी बुलिश ऑन आईटीसी, देयर आर सम पीपल आर वेरी वेरी बेयरिश ऑन आईटीसी. So what has happened is that ITC in last 20 years, what ITC has effectively done, ki jo cigarette wala business tha, uska paisa nikal ke FMCG wale business mein dala gaya, right? Cigarette wale business ka paisa FMCG wale business mein dala gaya. Basically, cigarette business has been used as a cash cow to plow back the earnings in the FMCG business. Ab annual report use karke, at least we can find out ki FMCG business pe revenue growth kitni hai. राइट, एफएमसीजी बिजनेस पे कहीं प्रॉफिट आ भी रहा है या नहीं आ रहा, कि कहीं बहुत सालों से कहीं लॉस मेकिंग ही तो नहीं है जैसे शायद से केस है एफएमसीजी बिजनेस में. बिकॉज आई थिंक इन लास्ट डेकेड 8 सालों में, पिछले 10 साल में से 8 साल तो एफएमसीजी बिजनेस के मार्जिन ही नेगेटिव रहे हैं, राइट? तो परफॉर्मेंस ऑफ डिविजन बहुत एक जरूरी चीज है जो हमें एनुअल रिपोर्ट से पता लगती है कि कंपनी कौन से डिविजन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कौन से डिविजन से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आता है. थर्ड थिंग इज रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी. तो एनुअल रिपोर्ट हमें क्या बताती है कि ये कंपनी के रॉ मटेरियल क्या है, राइट? एंड कंपनी का रॉ मटेरियल कितना वॉलेटाइल है और कंपनी उस रिस्क के साथ कैसे डील करती है. गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर, इवन वॉरेन बफेट सेज दिस दैट द नंबर वन थिंग टू लुक फॉर इन द कंपनीज इज प्राइसिंग पावर. एंड प्राइसिंग पावर कैसे आती है, जस्ट बाय लुकिंग एट स्टेबल मार्जिन. अगर किसी कंपनी के पास स्टेबल या एक्सपेंडिंग मार्जिन नहीं है, this means that company goes through bouts of raw material volatility. माने वो company raw material volatility को pass on नहीं कर पाती. That is what is important to remember. Then the fourth thing is जो manual reports में देखते हैं business updates में, that is any new capex coming. तो companies usually अपने management discussion and analysis में या फिर जो chairman का letter होता है उसके अंदर ही company highlight कर देती है कि हम क्या capex करने वाले हैं, right? कि कितने का क्या capex, हमारा future क्या है business का, कि अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ लानी है तो हम कैसे लेके आएंगे. गाइस, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, सपोज इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. अब एक बार एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करा हुआ है, सपोज आपने अगर एक अंबिका कॉटन में इन्वेस्ट करा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल से,
And suppose you get to know that company has 100% capacity utilization. ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, मेरे को पता नहीं है, मैंने बहुत टाइम से कंपनी को फॉलो नहीं करा. सपोज द कंपनी सेज दैट वी हैव 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पर आप देखते हैं कि ये कंपनी कोई केपेक्स कर ही नहीं रही, कंपनी का कोई न्यू फ्यूचर केपेक्स प्लान नहीं आ रहा. तो दैट मीन्स दैट द कंपनी हैज मे बी हिट अ ग्रोथ सीलिंग, कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल हो रखा है फिर भी कंपनी केपेक्स नहीं कर रही. एंड वन मोर थिंग विच यू कैन फाइंड आउट बाय लुकिंग एट केपेक्स अपकमिंग राइट और बाय लुकिंग एट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज, कि सपोज करते हैं अगर आपकी फैक्ट्री 100 प्रोडक्ट्स बना सकती है, राइट, सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री है विच कैन मेक 100 प्रोडक्ट्स, बट राइट नाउ दैट फैक्ट्री इज ओनली मेकिंग 60 प्रोडक्ट्स. What does that mean basically? That means कि capacity utilization 60% है. तो ये सारे data हमें annual report से कभी कभी मिल जाते हैं, which is very important, क्योंकि अगर पता लग रहा है कि पिछले 5 साल से 60% capacity utilization है, so this means that there is some kind of गड़बड़ with the company, कि यहाँ तो company अपनी volume growth नहीं लेके आ पा रही, यहाँ तो company की ये जो capacity है company इसको utilize नहीं कर पा रही. मे बी शायद से कोई प्रोडक्ट ऐसा कंपनी के पास है विच इज प्योर कमोडिटी या जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत है, या कंपनी मार्केट शेयर बिल्कुल भी ग्रैब नहीं कर पा रही, या कंपनी ग्रो ही नहीं कर पा रही, राइट. तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी हमें काफी चीजें बताते हैं एनुअल रिपोर्ट में. जस्ट अ सेकंड गाइस बिफोर वी प्रोसीड, राइट. सो गाइस अनदर थिंग टू लुक फॉर इन एनुअल रिपोर्ट्स इज योर मार्जिन फ्लक्चुएशन, जो हमें बिजनेस अपडेट्स में मिलता है. इसके बारे में भी हम एक बार बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स में. Then there are your financial highlights. Then we also talk about business strategy in the annual report. So financial highlight basically ki history mein kya hua hai is company ki, company ki history mein kya hua hai lambe samay mein. And business strategy hume kya batate hai ki agar management discussion and analysis padhte hain, chairman ka letter padhte hain, ya jo CFO hai to CFO bhi kabhi kabhi letter likhta hai. So that basically tells us ki business ki strategy kya hai going forward in the future. What is the company's plans to keep growing? मतलब without growth there is no life. That is the fact of investing. आप कोई भी company देखेंगे अगर जैसे ही वहाँ पे growth stop होती है, stocks literally collapse. आपका pricing, stock prices literally collapse. जैसे ही the growth stops. Eighth thing which we look for in annual reports is your industry updates. तो जब हम management discussion and analysis पढ़ेंगे दीपक नाइट्राइट के केस में, तो we'll also be looking at industry updates. कि chemical industry में ही क्या चल रहा है? अगर दीपक नाइट्राइट बोल रहा है अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि इंडस्ट्री अपडेट्स के अंदर कि आपकी केमिकल इंडस्ट्री इज बूमिंग राइट नाउ, तो बेसिकली जो अदर केमिकल प्लेयर्स हैं दे शुड आल्सो बी सेइंग द सेम थिंग मोर और लेस. तो हम ऐसे पीयर कंपैरिजन करके एक बार चेक भी कर लेते हैं कि वेदर एक्चुअली इट इज हैपनिंग और नॉट, कि ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, राइट. वन मोर थिंग टू लुक फॉर इज योर रिस्क एंड मिटिगेशन. तो क्या होता है कंपनीज के केसेस में, एनुअल रिपोर्ट में वो सोर्सेज ऑफ रिस्क मेंशन करते हैं कि सोर्सेज ऑफ रिस्क क्या है, एंड सोर्सेज ऑफ रिस्क के साथ साथ दे ऑल्सो मेंशन कि कंपनी क्या कर रही है उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, राइट. एंड व्हाट आर दीज रिस्क आर बेसिकली बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस के अंदर क्या रिस्क है और कंपनी उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर रही है. एंड कमिंग टू द 10th पॉइंट विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेयर मेनी इन्वेस्टर्स गेट कन्फ्यूज इज द सेगमेंटल ब्रेकअप. क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे आईटीसी के केस में हम देख पा रहे हैं कि लास्ट 10 इयर्स से द स्टॉक हैज बीन अ वैल्यू ट्रैप, मे बी द स्टॉक्स फॉर्च्यून्स विल टर्न, आई डू नॉट हैव एन ओपिनियन, आई जनरली लाइक द कंपनी. द प्रॉब्लम इज कि लास्ट 10 इयर्स में एफएमसीजी बिजनेस पे काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है बट वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, एंड वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फेज चल रहा है. सो द मोमेंट द इन्वेस्टमेंट फेज स्टॉप्स एंड आईटीसी स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन द मार्जिन्स, जैसे आईटीसी मार्जिन्स पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं is the day ITC stock starts moving, right? But it is just meant for education purpose. This is not a recommendation at all. Just meant for education and discussion. But हमें पता कैसे लगेगा? हमें पता लगेगा segmental breakup से कि management कौन से business को ज़्यादा fast speed पे grow करना चाहती है. That is given to us by segmental breakup. तो हम segmental breakup के अंदर आके देखेंगे annual report के अंदर कि हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं segmental breakup में, right? So guys, before I proceed, just a second. All right, guys. So business updates, देखते हैं annual report में. The first thing which we have discussed, कि we look for business updates in the annual report. Second thing we look for in annual reports is your management updates. तो management updates में हम क्या-क्या देखते हैं, एक बारी उसकी बात करते हैं. Suppose management updates में हम compensation देखते हैं management का,
कि मैनेजमेंट सैलरी कितना ड्रॉ कर रही है, राइट, मैनेजमेंट सैलरी कितना ड्रॉ कर रही है. आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 10% से ज्यादा कोई भी मैनेजमेंट सैलरी नहीं ड्रॉ कर सकती बिकॉज इट इज द सीलिंग. ये आपका लाइक कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सीलिंग है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स कैन बी द सैलरी. एंड वेयर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो बोर्ड पे बैठते हैं उनका सीलिंग क्या है कि आप 1% से ज्यादा आप सैलरी नहीं ड्रॉ कर सकते अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, राइट. देन सेकेंड थिंग वी लुक फॉर इज चेंजेस इन बोर्ड्स. तो आज इंडिया में क्या है, मेनी बिजनेसेस आर प्रमोटर रन, right, many businesses are promoter run. So when these promoters, right, when they start professionalizing, once they start professionalizing, to us time pe kafi zyada business interesting ho jata hai ya kabhi kabhi business doob bhi jata hai. And moreover ek kya achhi cheez hai, aajkal ek kafi trend chal raha hai, let me just take the name of the company just for an example. The name of the company is Garware, right. So what happened in Garware was basically the management changed of the company. And जैसी management change हुई तो वो हमें कहाँ से पता लगता है, changes in board. अगर board में कोई changes हुई है तो हमें पता लग जाता कि यहाँ पे Garware के अंदर management change हुई है. कहाँ से पता लगता है, annual report में से कि management change हुई है, right? तो अगर हमें management change का पता लगता है तो maybe we could have taken advantage कि a young fellow has come into the business who is who's a graduate from an American college and he's focused on return on capital employed because the moment he came in the business, जैसे वो MD बने business के तो ROC हर जगह annual report में दिखने लग गया जो पहले नहीं दिखता था, right? So changes in board is also a very important part. Because sometimes the companies which are trying to scale up, sab ab hum Deepak Nitrite ke case mein baat karenge, since Deepak Nitrite is trying to scale up, you need to have technically skilled people as a part of your board. And jaise aapke log board pe hain, wo ek hame example bhi dete the ki company ki kya reputation hai, company ki kya strategy chal rahi hai, right? Just a second guys. All right guys. So moreover, हमें management updates के अंदर और क्या पता लगता है, management updates में हमें और क्या देखना चाहिए, that is your promoter holding. कि promoter holding हमें देखनी चाहिए management updates में. And promoter holding से हमें क्या पता लगता है कि जो top 10 आपके जो मतलब top 10 shareholders में जो I think so 1% से ज़्यादा stake hold करते हैं, वो भी हमें पता लगता है moreover annual reports में. And promoter holding हमें क्या idea देती है कि क्या management की skin in the game है या नहीं है, right? Does the management have skin in the game or not? Because if the management doesn't have skin in the game, if the promoter is selling his stake, right? So what eventually happens is ki promoters lose interest in the business and shareholders suffer as a result. Aisa pehle bhi bahut sare businesses mein dekh chuke hain. To promoter holding pata karna bahut zaruri part hai. Fourth thing which comes to check for in management updates is related party transactions. Jis business mein bahut zyada excessive related party transactions hoengi, वहां पे देर इज अ रिस्क ऑफ मतलब आई शुड से इट मे बी देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, मे बी देर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड और मे बी देर इज अ रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स बीइंग टेकन फॉर अ राइट बिकॉज इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू नो द ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट. ये ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज होते हैं, इवन दो कंपनीज कीप सेइंग कि वी डू ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन लाइक आर्म्स लेंथ बेसिस, कि हम आर्म्स लेंथ बेसिस पे अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं. बट समटाइम्स आई फाइंड इट फनी कि आपको रिलेटेड पार्टी लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, जस्ट टू परचेज रॉ मटेरियल. तो गाइज इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस. अगर बहुत एक्सेसिव दिख रहा है आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू अवॉइड द बिजनेस. अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर ऑफ द बिजनेस और अबाउट द मैनेजमेंट, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू जस्ट अवॉइड द बिजनेस प्लेन लाइट. तो फिफ्थ थिंग इज द जनरल क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग. वो हमें बताएगी कि मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको कॉर्पोरेट गारंटी नाम की चीज दिख जाएगी एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि कंपनी ने कॉर्पोरेट गारंटी दे दिया प्रमोटर के किसी वेंचर के लिए या फिर किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए. सो गाइस दिस इज व्हेन थिंग्स बिकम अ लिटिल फिशी. अब ये मैनुअल रिपोर्ट में देखेंगे कि कॉर्पोरेट गारंटी क्यों थोड़ी सी रिस्की होती है और मैनेजमेंट अपडेट्स में देखेंगे. सिक्स्थ थिंग इज रिलेटेड टू एनी न्यू वेंचर्स और एनी न्यू सब्सिडरीज. बिकॉज अगर प्रोमोटर आईटी वेंचर्स खरीद रहे हैं यूएस में ऑल ऑफ अ सडन, या फिर सोलर पावर के वेंचर्स लगा रहे हैं, तो इट शुड मेक यू अ लिटिल स्केप्टिकल बिकॉज दीज ट्रेंड्स हैव एक्चुअली डिस्ट्रॉयड वेल्थ इन द पास्ट, राइट. एंड थर्ड थिंग लाइक आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज थिंग्स सो एटलीस्ट वी कैन जंप इनटू द एनुअल रिपोर्ट. तो थर्ड थिंग इज योर फाइनेंशियल्स. हम बैलेंस शीट को देखते हैं, उसका फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं, फिर बैलेंस शीट चेंजेस देखते हैं, फिर कैश फ्लो देखते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, अगेन अगेन सेगमेंटल ब्रेकअप देखते हैं हम, राइट. एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर इज रेजोल्यूशंस.
बोर्ड पे क्या रेजोल्यूशन आया, समटाइम्स एजीएम में जो शेयर होल्डर्स वोट करते हैं उसमें रेजोल्यूशन आए होते हैं काफी सारे, तो कभी कभी कुछ ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं कि वी आर अबाउट टू डू अ क्यूआईपी, तो इक्विटी रेजिंग के लिए रेजोल्यूशन आता है कभी कभी। फिर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, कभी कभी आपका जो रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी है वो चेंज हो जाता है मैनेजमेंट का, या तो मैनेजमेंट का डिप्रिसिएशन पॉलिसी चेंज हो जाता है। सो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर। फिर कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, फिर टॉप 10 शेयर होल्डिंग चेंजेस है जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स की लाइक शेयर होल्डिंग है कंपनी के अंदर। सपोज समटाइम्स अगर कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा वैल्यू इन्वेस्टर किसी कंपनी में आके शेयर होल्डिंग ले रहे हैं तो हमें एनुअल रिपोर्ट से पता लग जाता है, राइट, कि अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा भी रहे हैं या घटा रहे हैं, सब कुछ एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि समटाइम्स कंपनीज दे से दैट वी आर डूइंग अ केपेक्स, राइट, लेट मी जस्ट पुट एन एग्जांपल ऑन द बोर्ड, जस्ट अ सेकंड गाइस। समटाइम्स कंपनी डू से दैट वी आर सेटिंग अप अ फैक्ट्री, कि हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो इफ अ कंपनी इज सेटिंग अप अ फैक्ट्री, असूलन क्या होना चाहिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे शुड गो अप, राइट, number of employees should increase if another factory is being put up by a company. But what if a new factory is put up by a company but the number of employees remain the same? That should make you skeptical about the business, whether a new factory is actually there or not, or whether there is some kind of fishy things, right? Agar employees hi nahi badh rahe, because agar aap nayi factory set up kar rahe hain to employees have to go up. अगर कोई बिजनेस कह रहा है कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ आरएनडी, 6% हम सेल्स का आरएनडी कर रहे हैं, पर तो उस बिजनेस ने साइंटिस्ट हायर ही नहीं कर रखा, तो उस सब हमें एनुअल रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट कितने हायर करे हुए हैं। गाइस इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर सच ट्रेंड्स इन एनुअल रिपोर्ट। एंड व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, कि हम इतनी चीजें क्यों देखते हैं एनुअल रिपोर्ट में, बट बहुत डिफाइंड वे में अगर आपको एक बार किसी हैबिट पड़ गई एनुअल रिपोर्ट्स ऐसे वैसे पढ़ने में, आई थिंक इट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू गो अबाउट थिंग्स। बिकॉज वॉट वी हैव डन इज दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, like we have tried to, because this guy was a super genius. So basically Charles Darwin was the guy who came up with the theory of natural selection. And how did he think? Unka thinking ka ek style bahut different tha. Unka thinking ka style tha disconfirming evidence. Wo hamesha disconfirming evidence dhoondte the, right? He used to always look for disconfirming evidence. Ki agar suppose karte hai koi thesis hai aapki, aapko lagta hai ki ye jaise hi aap ghar se bahar niklenge, राइट, तो आपको सपोज आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तो आपको हमेशा व्हाइट कलर की बर्ड्स दिखेंगे, राइट, तो आप पिछले हजार दिनों से देख रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको व्हाइट कलर की बर्ड्स दिखेंगी, तो आपके दिमाग में थीसिस बनी होगी कि इस एरिया में व्हाइट कलर की बर्ड्स ही रहती हैं, बट सिर्फ एक ब्लैक कलर की बर्ड आ गई तो आपकी थीसिस वुड बी डिस्ट्रॉयड। सम पीपल स्टिल डू नॉट चेंज देयर माइंड ऐसा होने के बाद भी, बट चार्ल्स डार्विन डिड चेंज हिज माइंड, बिकॉज डिसकन्फर्मिंग एविडेंस पता करना बहुत जरूरी है। तो एनुअल रिपोर्ट से हमें डिसकन्फर्मिंग एविडेंस काफी बारी मिल जाता है। दिस इज व्हाट गुड इन्वेस्टर्स डू, दिस इज व्हाट एक्सीलेंट इन्वेस्टर्स डू। मतलब आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ फैमिली ऑफिस बिफोर, दिस इज हाउ ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इन्वेस्टिंग, आई थिंक आई वोंट टेक हिज नेम, बट ही वाज अ वेरी गुड इन्वेस्टर। तो आई एम लाइक बेसिकली वी हैव टेकन हिज फ्रेमवर्क एंड वी हैव थोड़ा मोल्डेड द फ्रेमवर्क अ बिट, बट इमेंस लर्निंग्स गाइस, मतलब लर्निंग्स ऑफ मेनी इयर्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इन हाउ टू रीड एनुअल रिपोर्ट्स। Right guys, so let's just proceed to the annual report. I won't bore you more with the jargon ki kya kya hume cheeze dekhni chahiye. Guys, coming to the point, just a second. All right guys, so coming to the annual report itself. So guys, this is how the annual report of Deepak Nitrite looks, right? So 2020 ka annual report hai, and is bari kya hua hai ki company ka 50 years ho chuka hai, like company ka golden jubilee hua hai, right? Golden anniversary hua hai. And before I jump into the annual report, this is what the index of the annual report looks like. Jaise hum book ke andar ek index dekhte hain, similarly annual report mein ek index dikhta hai. So ye on a golden pedestal, yahan kyunki company ka golden jubilee hai to uska bata rahe hain. Isme se main aapko batata hu important cheeze kya kya hum padhte hain. To hum sabse pehli cheez dekhte hain financial highlights. Financial highlights basically hame kya batate hai ki history mein kya hua hai, company ki last two decade mein performance kaisi rahi hai. Then we look for building sustainable future. यहाँ पे तो I think so they'll be telling about their strategy या फिर environment की बात करेंगे. फिर our strength में थोड़ा सा बात करेंगे कि how do they actually do the business, business की strength क्या है. But these things are very very important. Your messages from the founder, your CEO's communique and enhancing value by the break, and this CFO's communique.
All these things are really important. क्योंकि these things actually give you an insight कि business strategy में क्या चल रहा है, new products कौन से आने वाले हैं, capex कहाँ पे होने वाले हैं, past में क्या हुआ है. These are the things which actually give you an insight. Then coming to the board of directors, हमें इसमें ऐसे actually पता लगता है कि जो board है, board की quality क्या है आपके. If suppose a company which wants to penetrate the American market, right? The company is spending a lot of rupees in or rupees or dollars in R&D and all. पर बोर्ड क्वालिटी ही बहुत पुअर है. बोर्ड पे कोई साइंटिस्ट नहीं बैठता, टेक्नोक्रैट्स नहीं बैठते, बेसिकली उसी फील्ड के लोग नहीं बैठते. तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि इस बिजनेस का स्केल करना मुश्किल है, बिकॉज द बिजनेस डज नॉट हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल. देन वी ऑल्सो लुक फॉर राइट अपार्ट फ्रॉम दिस, देन वी लुक फॉर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. तो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में व्हाट वी लुक फॉर इज इंडस्ट्री एनालिसिस, अगेन योर बिजनेस अपडेट्स एंड ऑल. Then there is a director's report, right? Director's report bhi acha information batati hai. So guys, these are mostly the things we look for in the first two like chapters of the annual report. So ek to corporate overview aur ek statutory reports, na ye dono cheeze bahut important dikhte hain. Ab aapke saath main padhunga is puri video ke andar annual report, thoda sa aapko idea lagega ki hum kaise in cheezon ko interpret karte hain. And guys, fir uske baad a very important thing to look for is your financial statements mein. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, बैलेंस शीट पे क्या चल रहा है. एंड गाइस, इंपॉर्टेंट टू रियलाइज इज कि इस बिजनेस में स्टैंड अलोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस में कंसोलिडेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कभी भी आप एनुअल रिपोर्ट रीड करते हैं तो आई यूजली प्रेफर कि हम कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन ज्यादा देखें, क्योंकि कंसोलिडेटेड में सब्सिडरीज का इन्फॉर्मेशन साथ आ जाता है. क्योंकि स्टैंड अलोन में क्या होता है कि सिर्फ स्टैंड अलोन कंपनी का आता है, उसकी सब्सिडरीज का नहीं आता, ज्वाइंट वेंचर्स का नहीं आता, बट कंसोलिडेटेड में जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरीज का डेटा साथ इंक्लूडेड होता है. जस्ट अ सेकंड गाइस. एंड जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपका जो बैलेंस शीट है, जो आपका लाइक इनकम स्टेटमेंट है एंड जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सब आपको यहाँ कंसोलिडेटेड के अंदर मिलेगा. दैट इज योर बैलेंस शीट, योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विच इज बेसिकली योर इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो यहाँ लाइक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज ऑल्सो मेंशन सेपरेटली. And notes to accounts are really, really important, because notes to accounts will tell you the kind of business you're dealing with, the kind of accounting quality you're dealing with, and the kind of ratios you can calculate out of the business. So guys, let's just straight away jump into the annual report of this company. So starting with the management discussion analysis or the financial highlights first. So beginning mein financial highlights ki taraf chalte hain. Let's just zooming out a bit, right? So yahan pe hum dekh sakte hain our growth trajectory. Let's just try to analyze a bit. यहाँ से हम क्या क्या analysis बना सकते हैं. तो 2015 में, right, from 2015 till 2019, this is what is mentioned. तो profit before tax का एक तो हमें trend दिख रहा है yellow के अंदर, and moreover हमें export का दिख रहा है कि export from 511 crores as profit before tax, right, and as a part of revenues, मतलब revenues export का 511 crores था. एक्सपोर्ट से 937 करोड़ का हो गया. सो बेसिकली इन फोर ईयर्स आई हैव डबल्ड माय रेवेन्यूज इन एक्सपोर्ट. एंड मोर ओवर डोमेस्टिक के अंदर क्या करा है, फ्रॉम 825 करोड़, फ्रॉम 825 करोड़ माय रेवेन्यू हैज गॉन टू 1293 करोड़, राइट. एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल, दैट इज योर 1336 करोड़, फ्रॉम 1336 करोड़ विद इन फोर ईयर्स माई रेवेन्यू हैज गॉन टू 2230 करोड़. ऑलमोस्ट माई रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाई 80-90%, राइट. So there, this is what it means. And just coming down a bit, तो यहाँ पे हम और देख सकते हैं कि EBITDA and PAT margins है, आपका EBITDA और PAT का trend है यहाँ पे. यहाँ पे आपको बहुत interesting चीज दिखेगी अभी आपको. So what you find is EBITDA is of 168 crores, right, 5 years ago. But उसके अगले साल EBITDA घट गया, फिर उसके अगले साल EBITDA बढ़ा, फिर EBITDA बढ़ा, फिर EBITDA ने एकदम jump ले ली almost 2x की, right? So EBITDA jumped by 2x. So what we need to realize, if you're looking at the company for the first time, what happened? Why did the EBITDA jump by 2x? And what is EBITDA? EBITDA is basically earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, right? And another trend to look for is the profitability. PAT level 65 crores se PAT kahan aa gaye? PAT has come close to 544 crores. So basically within 4 years, your PAT has increased by 9x. Ab 9x se kyun increase hua? Iske reasons hum ek bari annual report mein hi dekhenge. Then moreover, a very, very important slide to look for is your revenue by application. Ki products ka application kya hai?
So guys, in 1920, that is the financial year 20, FY20, just let me write it down for you, FY20, right? So in what has happened in FY20 is 62% of the revenue comes from color segment. Application color ke andar hai. Phir agro ke andar 22% application hai. So basically last year se, is saal application color ke andar badh gaya hai, 58 se 62 ho gaya. And agro mein 26% se 22% ho gaya, ghat gaya basically. Fuel, right? Pharma and others. So these are your segments which are of relatively less importance as compared to your segments which are of more importance. जो मतलब आपका जहाँ से sales का application है कि आपके products use कहाँ पे हो रहे हैं. तो इस company का product color के अंदर ज़्यादा use हो रहा है. Maybe company is making pigments or company is making some chemicals which are being used in pigments. We'll just find it out soon, right? तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं. And then there is a funds outflow, right? So yahan pe cost ka breakup hai and everything ka breakup hai yahan pe hame dikh raha hai. So I won't focus too much on this, but I would just proceed. So these are your financial highlights for the last 10 years, right? So Deepak Nitrite ka main aapko thoda sa background de deta hu basically. Ek to pehli cheez yahan pe important kya focus karna, IND AS, that is your Indian Accounting Standard. Or Indian GAAP, that is your generally accepted accounting principles. So yahan pe accounting standard bhi last 2-3 years mein change hua hai India mein. Aur ek important cheez kya hai yahan pe notice karna ki pehle numbers sirf standalone ke dikh rahe hain 2010 se leke 2018-19 tak bhi mentioned hai. And consolidated number hame 2019 and 2020 ke dikh rahe hain. Because reason being ki Deepak Nitrite recently established a phenol's capacity. Phenol एक chemical है, phenol और acetone एक chemical है. उसकी capacity Deepak Nitrite ने recently established करी है अपनी subsidiary के अंदर. जैसे ही subsidiary में आपने capacity लगाई तो आपको अपने numbers consolidate करने पड़ जाते हैं. तो इस वजह से यहाँ पे हम check करते हैं कि क्या चल रहा है इस business के अंदर. तो basically your revenue, that is your total income from 677 crores, right, has grown from 677 crores to almost 1795 crores. In a span of nine years almost, right, from 2011 to 2020. And consolidated basis पे यहाँ पे हम जो check कर सकते हैं, जो बहुत interesting चीज है कि आपका जो revenue है that from 2715 crores has grown to 4265 crores. So basically revenue has almost doubled within a short span of 1 year. ऐसा क्या हुआ business के अंदर, अभी हम check करते हैं. And I think this is not 1795, this is 2237 crores. Basically in last decade, your revenues have almost grown by 4x. Just a second guys, let me just write it in a better way. That in the last decade, your revenues has almost grown by 4x, right? Whereas in last 1 year, consolidated basis पे, revenues have almost doubled, right? यहाँ पे हम check कर सकते हैं 60%, 57%. फिर EBITDA को देखते हैं. Consolidated basis में EBITDA 429 करोड़ से कुछ 1061 करोड़ के आसपास आ गया. तो basically EBITDA has more than doubled, right? But last decade में क्या हुआ है कि EBITDA 62 करोड़ से EBITDA has come close to, पहले तो 308 crores देखते हैं हम. अब एक बहुत important चीज़ है, बहुत interesting चीज़ है कि मैं 2019 और 2020 में बहुत important comparison करने वाला हूँ थोड़े time में. And 308 crores से last year में कहाँ पे आ गए, 804 crore पे. So basically something abnormal has happened in the business. What has happened? Abnormal. Maybe company ने नया capacity लगाया कि जिस वजह से इतना इतना ज़्यादा EBITDA grow कर गया. बट नया कैपेसिटी नहीं लगा बिकॉज 1500 करोड़ से क्या हुआ है कि आपकी सेल 1800 करोड़ ही हुई है, राइट? 1500 करोड़ से सेल 1800 करोड़ होने के बावजूद योर एबिटा इज, सॉरी जस्ट सेकंड गाइस, 1800 करोड़ से सेल सिर्फ 2300 करोड़ के आसपास हुई है, 2200 करोड़ के आसपास हुई है. तो सेल 400 करोड़ से बढ़ी है बट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय क्लोज टू 500 करोड़, एबिटा हैज इंक्रीज्ड बाय 500 करोड़. तो मे बी मार्जिंस हैव एक्सपेंडेड. सेल ग्रोथ कम हुई बट प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा होगी तो मार्जिन एक्सपेंड करें. क्योंकि ये केमिकल बिजनेस है तो एक बार हम चेक करते हैं कि इसमें ऐसा क्या सोर्स ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन आ सकते हैं जब हम आगे चलेंगे. गाइस दिस इज हाउ द लास्ट 10 इयर्स और लास्ट 12 इयर्स ऑफ योर लाइक फाइनेंशियल हाईलाइट लुक्स लाइक. तो यहाँ पे नेट डेट बाय इक्विटी भी मेंशनड है. तो यहाँ पे लेट मी जस्ट शो इट टू यू समथिंग. तो हम यहाँ पे एक चीज चेक कर सकते हैं कि डेट बाय इक्विटी कुछ, राइट, नेट डेट अपॉन इक्विटी
was close to 0.25 way back in 2010. So in 2020, this is your 2020, your net debt upon equity came down to 0.13. Whereas on a consolidated basis, your net debt by equity was 1.1. That was in 2019, and right now it is at 0.69. कंसोलिडेटेड बिजनेस बेसिस पे हमें थोड़ा सा आइडिया लग सकता है इस कंपनी ने डेट लिया है, किस चीज के लिए डेट लिया है, आगे चलते हैं उसके बारे में पकड़ने के लिए क्यों डेट लिया था, राइट? इट्स कमिंग डाउन, राइट? तो यहाँ पे बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, तो यहाँ पे दे विल टेल अबाउट, राइट, कि रैंक्ड अमंग द फॉर्च्यून नेक्स्ट 525 टॉप वेल्थ क्रिएटर्स बाय फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन. Deepak Nitrite Limited is one of India's fastest growing chemical intermediate companies with a diversified business of basic chemicals, fine specialty chemicals, performance products, and it further manufactures phenol, acetone, isopropyl alcohol through its wholly owned subsidiary. Someone who's reading the company for the first time, they should write this down. Ki kya inka business hai? Basic chemicals ka, fine and specialty chemicals ka, right? And performance products ka. So these are basically their three verticals. And last vertical kya hai? Phenols, acetone and isopropyl alcohol ka, jo company karti hai apni subsidiary ke through. And what's the name of the subsidiary? Deepak Phenolics Limited. What's the name of the subsidiary? Deepak Phenolics Limited, right? So this is what the name of the subsidiary is. And I think char unke jo teen product segment hai, wo bhi humne dekh liye hai. So important to remember this. फिर यहाँ पे थोड़ा environment की बात करेंगे. I think if someone wants to read it, someone can. But I don't think so. It's मतलब it can be too important, but it's just subjective. So I preferably choose to avoid it. But I do check कि chemical businesses में कि कौन सा business environmentally ज़्यादा friendly है, कौन environment पे ज़्यादा पैसे खर्च रहा है. जैसे आरती industries के case में क्या है कि 15 plant are zero effluent plant. माने 17 प्लांट है जिसमें से 15 जीरो एफ्लुएंट है, राइट? तो 15 प्लांट कोई वेस्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वो सारी चीजें एनुअल रिपोर्ट से पता लग जाती है. गाइस अब यहां पे हम अगले पेज पे आए हैं, जैसे ही आर विजन पे जो अभी फाइनेंशियल हाइलाइट्स का ही सब पार्ट चल रहा है. तो वी गेट टू सी दैट दिस कंपनी इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ज़ाइलीडीन्स, क्यूमिडीन्स, लाइक टाउलुडीन्स, फिनोलिक्स एंड आईपीए. So guys, you will be very interested to know that IPA is something which is used in hand sanitizers, right? And IPA is made via a derivative of acetone. Acetone banati hai company. So acetone ka ek derivative hai IPA. So company ne recently IPA ki capacity lagai hai because of the coronavirus crisis. And I think isopropyl alcohol banane ka bahut acha decision tha inka ek. So guys, nothing like isopropyl alcohol, आप कोई भी sanitizer मोड़ के देखेंगे उसके पीछे आपको दिखेगा. So you will get to see that Deepak Nitrite is one of the major like manufacturers of IPA, leading producer जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, right? So our strength पे आएंगे तो यहाँ पे they'll just tell कि make in India, diversified, integrated portfolio. Now a very very important line जो हम अभी देख पा रहे हैं financial highlights में, अभी हम चल रहे हैं corporate overview में चल रहे हैं. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता लगेगी, हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स, उनकी एप्लीकेशन और कंपनी के कस्टमर्स कौन है, हमें वो सारी चीजें पता लगेंगी. अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड अस कि सर, जो आप ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं, हाउ डू यू गेट टू नो द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, हाउ डू यू गेट टू नो द क्लाइंट्स ऑफ द कंपनी. आई जस्ट आस्क देम कि वेदर यू हैव ओपनड द एनुअल रिपोर्ट और नॉट. इफ यू जस्ट ओपन द एनुअल रिपोर्ट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अभी वी आर बेसिकली अंडर द फाइनेंशियल हाइलाइट्स में ही चल रहे हैं हम. फाइनेंशियल हाइलाइट्स में वी हैव जस्ट कम टू द पार्ट with the company's revealing its product portfolio. The product portfolio mein there are basically four kind of segments which they deal in, jo humne pehle bhi baat kari hai, your basic chemicals, your fine and specialty chemicals, your performance products and your phenolics. To yahan pe inke sare products hain, fir inka application bhi de rakha hai, kuch colorants use ho rahe hain. As we saw in the beginning ki 62% of the revenue comes from colors, right? Application unka colors mein, then petrochemicals and rubbers. And यहाँ पे agrochemical, colors and pigments, paper, personal care and pharmaceuticals. Paper, detergents, textile, coating application, printer, photographic paper. ऐसे यहाँ performance product के अंदर ये जो business है इनका, OBA का and DASDA का. Just keep this in mind. अभी हम annual report में आगे I'll just go and reveal कि इतना ज़्यादा extraordinary profitability क्यों आया इस business के अंदर. तो it is just important that you keep this business in mind, right? Then coming to phenolics. So phenolics kya tha?
दीपक फिनोलेक्स लिमिटेड, कहाँ पे फिनॉल्स का बिजनेस हो रहा है? अंडर द सब्सिडरी, राइट? कहाँ पे हो रहा है? अंडर द सब्सिडरी, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था. कहाँ पे हो रहा है? अंडर द सब्सिडरी, नॉट अंडर द स्टैंडअलोन कंपनी. फिनॉलिक्स में क्या करते हैं? फिनॉल, एसिटोन, क्यूमीन एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. एंड व्हाट आर द यूसेजेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? लैमिनेट एंड प्लाईवुड, फार्मास्यूटिकल्स, एडहेसिव्स, सैनिटाइजर्स, रबर, केमिकल्स एंड पेंट्स, राइट? सो गाइस, दीपक नाइट्राइट, व्हाट दे हैव डन इज दैट दे हैव like import substituted the entire imports of phenols, जो इंडिया में फिनॉल इम्पोर्ट हो रहा था, दीपक नाइट्राइट ने उसकी फैसिलिटी ही एक इंडिया में लगा दिया. दीपक नाइट्राइट ने फिनॉल्स का एक कैपेसिटी लगा दिया इंडिया में, राइट? देन कमिंग टू द कस्टमर्स, तो दीपक नाइट्राइट के कस्टमर्स कौन कौन से हैं? अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि कस्टमर्स कौन कौन है आपके. तो वी फाइंड द कंपनी हैज ईस्टमैन एज इट्स कस्टमर, राइट? Then there is a Nayara, there is a Indofil, which is a very big agrochemical company in India. Then I think there is your HPCL, फिर Henkel नाम है, फिर BASF, which is an agchem giant, Monsanto. I think Monsanto and BASF have merged. Then there is your Atul. Atul has done marvelously well in last decade also. So soon we'll also try to make a stock analysis on Atul too. So Darshan Chemicals भी है यहाँ पे, BPCL है, UPL है. Then there is your Syngenta, फिर Bayer's है. So basically more or less they are top tier clients. माने बहुत अच्छे अच्छे clients हैं. And यहाँ पे मैं आपको एक client दिखाता हूँ घड़ी के नाम से. तो घड़ी is basically the maker of जो washing powder और जो like washing powder और इनका जो detergent आता है. Because जो हमने दीपक नाइट्रेट का भी performance products देखे थे, जो भी हमने दीपक नाइट्रेट के performance products देखे थे, उसमें जो हमने product देखा था इस नाम का, Dazda नाम का, right? Dazda और optical brightening agent. So these are basically chemicals which are used in detergents for whitening. So jo detergents ke andar whitening hoti hai ya kuch bhi hota hai to uske liye hum OBA aur Dazda use karte hain, right? To yahan pe ye sare inke customers hain. These are the key customers. So guys, if someone wants to find out material information about the business, to yahan se pata lagta hai. Fir hame plants pata lagte hain company ke, ki Nandesari Gujarat ke andar basic chemical ka plant hai, right? Jo yahan pe humne pehle padha tha, jo pehla wala division hai basic chemical. To Gujarat नांदेसरी में पहला प्लांट है इनका, राइट? फिर इनका तालोजा महाराष्ट्र के अंदर प्लांट है. यहाँ पे फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं. एंड यहाँ पे फायदा क्या है इस प्लांट का? जस्ट अ सेकंड गाइस, आई विल जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर यू कि यहाँ पे फायदा क्या है इस प्लांट का, कि दिस प्लांट इज कनेक्टेड टू द नावा शेवा पोर्ट, विच एज ऑल ऑफ अस नो, विच और मोस्ट ऑफ अस नो, नावा शेवा इज बेसिकली अ वेरी बिग पोर्ट जहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट काफी ज्यादा होता है इंडिया का. देन देयर इज योर प्लांट इन रोहा. यहाँ पे इंटरमीडिएट्स बनते हैं एग्रोकेमिकल के लिए, डाइज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, राइट? तो जस्ट गाइस, जस्ट अ सेकंड. ऑलराइट गाइस, प्रोसीडिंग अहेड. तो यहाँ पे हमने देखा था कि दे हैव 6 फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्प्रेड अक्रॉस 5 लोकेशंस एंड 3 स्टेट्स. गाइस, दिस बेसिकली टेल्स मी दैट दे डू नॉट हैव वन प्लांट, बिकॉज वन प्लांट में रिस्क क्या होता है, कल को अर्थक्वेक आ गया, आपका प्लांट ही गिर गया, right? So okay, revenues are finished for next 3-4 years. So ye sare risk bhi we also keep in mind. Basically we bet on companies which are more diversified, which have a better control over risk. So yahan pe they have 6 fully integrated plants, not only one, right? There are some companies which have only one plant. So khuda na khasta there is an earthquake or there is a fire at the plant, so that thing all of a sudden falls down, right? Then there is your plant at Hyderabad, Telangana. तो यहाँ पे ये ऑप्टिकल ब्राइटनिंग इंटरमीडिएट्स एंड डैजडा बनाते हैं, जो हमने बात करी थी, वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट्स में यूज होता है. देन कमिंग टू दहेज, राइट? दहेज में बेसिक केमिकल्स एंड परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स के प्लांट है. एंड दहेज में ही डीपीएल लगाया है उन्होंने. गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द बिजनेस. एनीवन हु इज अ शेयर होल्डर ऑफ दीपक और एनीवन हु इज विलिंग टू इन्वेस्ट इन दीपक नाइट्राइट हैज टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दहेज प्लांट ऑफ दीपक फिनॉलिक्स लिमिटेड. क्या नाम है इस कंपनी का? दीपक फिनॉलिक्स लिमिटेड. सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग फिनॉल्स, एसीटोन एंड आईपीए ओवर हियर. तो इस बिजनेस के बारे में हम थोड़ा सा इनडेप्थ बात करेंगे, हम एनुअल रिपोर्ट का भी एनालाइज करेंगे एंड साथ साथ हम बिजनेस को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस और एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ते जाएंगे तो आई थिंक दैट इज प्लेन स्टूपिडिटी, राइट? तो यहाँ पे ये 6 प्लांट्स हम देख चुके हैं कंपनी के एंड मेजरली 3 लोकेशंस के अक्रॉस है. Company is well diversified in terms of even the number of plants the company has, right? It is not only dependent upon one plant. So guys, coming down to your another part, तो ये यहाँ पे R&D का बता रहे हैं, right?
तो आई थिंक सो दिस ऑल इज नॉट टू मच रेलिवेंट. यहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं. वेस नाउ कम्स द मैसेज फ्रॉम द फाउंडर हुज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी, राइट, द फाउंडर ऑफ द कंपनी, सीके मेहता. सीके मेहता इज बेसिकली सेइंग दैट 50 years ago, so he is basically focusing on the history of the company. तो कंपनी का जो एवोल्यूशन है, बिकॉज बिहाइंड एवरी कंपनी विच हैज सर्वाइव फॉर अ लॉट ऑफ टाइम देर इज एन एंटरप्रेन्योर हु हैज स्ट्रगल्ड मैसिवली. Now, I keep saying this, कि entrepreneur की struggle पे ही country build होता है या capitalist society चलती है. तो जो shareholder की returns भी बनती है वो भी एक entrepreneur की struggle का ही part है. So guys, we need to appreciate the struggle behind all this, right? मतलब our job is the best job because we just sit behind computer screens and judge, but we need to recognize that someone is actually running the business, right? Just a second, guys. Right, so he says that 50 years ago, the founder of the business, he says 50 years ago, I could scarcely have imagined that this is where we would be standing as a company. In my nostalgia, I still remember the original dream of setting up a company, chemical plant based on indigenous technology, a true make in India. We were a young team, confident that challenges could be overcome by honest passion and ingenuity. Willing to learn from anyone, we dared to think big and were willing to work as hard. बेसिकली कंपनी का 50th ईयर आज एनिवर्सरी है, गोल्डन जुबली है इस साल में. तो ही इज बेसिकली टेलिंग द स्टोरी ऑफ द कंपनी की 50 साल पहले करा था एंड इट वॉज अ यंग एंड कॉन्फिडेंट टीम. एंड ही ऑल्सो मेंशंस दैट द स्ट्रगल इन सेटिंग अप द फर्स्ट प्लांट हैड इट्स ओन यूनिक चैलेंजेस, राइट, हैड इट्स ओन यूनिक चैलेंजेस. वी वर टू कम्पीट विद वर्ल्ड प्लेयर्स एंड मैच देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बाय एन अनटेस्टेड लोकल टेक्नोलॉजी. So in terms of evolution, this basically gives me a hint ki local technology se inhone manufacturing start kari thi. The company has actually come a long way. So board of directors consist of some of the most eminent solicitors, economists and financial advisors of the time. Us samay ke, right? And yahan pe again he tells you a little bit about his evolution that we were able to convince the shareholders, right? We were able to convince the shareholders of tremendous potential. And public issue of a small town entrepreneur like me was oversubscribed by 20 times. A record. We had a great passion for growth, right? And one after another, new products continued to be added. So life continued at Deepak. Just paraphrasing a bit. Guys, 20 times the original IPO was oversubscribed. And one more thing to look at, one of the very important things to look at is I need to know where the company has been to actually check where the company is actually today. So he says over here that when I compare what Deepak is today, I see a market cap having risen from 45 lakhs in 1972 to over 7,000 crores, right? The products, like the product slate having grown from 2 to 30. So basically the company started with 2 products and now the company has close to 30 products. एंड मोर ओवर कंपनी का जब मार्केट कैप जब था जब कंपनी आई थी तो 45 लाख था एंड राइट नाउ द मार्केट कैप इज क्लोज टू 7,000 करोड़ एंड दिस टुक देम 50 इयर्स टू कॉन्कर. सो गाइस इंपॉर्टेंट टू आल्सो अप्रिशिएट द हार्ड वर्क व्हिच गोज बिहाइंड कंपनीज एंड मतलब जस्ट टेलिंग यू बिकॉज हार्ड वर्क भी काफी लगता है इसके अंदर. एंड एम्प्लॉइज हैव रिजन फ्रॉम 60 टू 1500, राइट गाइस. सो दिस इज पैराफ्रेजिंग द फाउंडर्स लेटर अ बिट. Because since this is the 50th anniversary of Deepak Nitrite, तो यहाँ से हमें पता लग जाता है. It's important because if you're just reading a business, तो you just need to understand. So this is C.K. Mehta, who's the founder of the company, and these are his sons. I think so. He's also, I don't remember his name right now. But both of them are his sons. I think so. So यहाँ पे इन्होंने न्यूज का आर्टिकल भी लगा रखा है जब इस कंपनी का आईपीओ आया था दैट प्रोग्रेसिंग फ्रॉम ट्रेडिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग, राइट. सो यहाँ पे न्यूज का आर्टिकल भी लगा हुआ है. देन देयर इज योर सीईओ कम्युनिक. तो सीईओ आपको क्या बताएगा, डियर स्टेक होल्डर्स, एज वी एम्बार्क इनटू गोल्डन जुबली ऑफ आवर ऑपरेशंस, आई एम डिलाइटेड दैट योर कंपनी हैज अकॉम्प्लिश्ड 5 decades ऑफ टायरलेस सर्विस इन इंडियन इंडस्ट्री. जस्ट पैराफ्रेजिंग अ बिट. एंड So basically what is happening is that now it is time for me to retire and pass on the baton to leader of next generation, that is Shri Maulik Mehta. So yahan se mereko ek key insight kya mili ki this time the CEO is retiring. Umesh Asaikar is basically going to retire and the mantle of CEO is being passed on. So important thing because
important thing to realize is because end may what is happening actually ki aapka jo return hai that is actually being given by the business and the business is in turn being run by humans right to jo insaan is business ko run kar rahe hain unki kya capability hai unki kya qualifications hai ye bhi hame janne mein kafi interest rehta hai to coming down to yahan se hame ek important piece of information mili ki the ceo is going to retire right however I felt joy and working with dnl family right So bidding my farewell, I warmly congratulate Shri Maulik Mehta on his new role, hoping for a brighter future. So guys, this is what the CEO letter had to say. And this is what the timeline of the business is. So letters ke beech mein ya beginning of the annual report mein aapko timeline dikh jati hai. So 1970 se leke aaj tak is business ne kya kara hai, yahan pe sab pata lag jayega. तो मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कह रहा था आपको पता करनी चाहिए थी उसके अंदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये थी Just a second, guys. The company, yahan wala, raised 150 crores via second QIP. The company ne ek second QIP kara tha apni history mein. And yahan pe kya hua tha ki Deepak Phenolics commenced commercial production of phenols and acetone at Dahej. To kabhi bhi nahi commercial production start ho, to wo hume bahut important hai dekhna timeline ke andar hi ki kab kab plant laga tha aur kab kab they were crossing all those milestones of revenues. जैसे जैसे दीपक फिनॉल्स कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल्स तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि विद इन वन ईयर द कंपनी टच्ड दीपक फिनॉल्स मतलब 2019 में स्टार्ट हुआ था एंड 2019 लेके अब तक कंपनी ने 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज योर एग्जीक्यूशन हैज बीन इम्पेकेबल क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि दीपक फिनॉल्स का जो आज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है दैट इज क्लोज टू 90% which in itself is nothing short of extraordinary kyunki chemical plant lagaoge aur ek saal mein 90% usko utilize kar doge that in itself is extraordinary just shows you the capability of execution of the management which has been done in a very well manner to yahan pe ek aur information thi 2018 mein bhi inhone qip kara tha 150 crore ka basically 2016 mein pehla qip hua tha 83 crores ka 17 में 150 करोड़ का एंड 18 में 150 करोड़ का एंड मोस्ट प्रोबब्ली द रीजन फॉर क्यूआईपी वाज डूइंग अ केपेक्स ऑफ दीपक फिनॉल्स फिनॉल्स का प्लांट लगाने के लिए राइट गाइस एनुअल रिपोर्ट से ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है तो कमिंग डाउन सो दिस इज आई थिंक सो जस्ट अ सेकंड गाइस सो दिस इज द लेटर ऑफ दीपक सी मेहता तो दीपक सी मेहता इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी करेंटली So this is the guy, Deepak C. Mehta. He's the one who's managing the show. He's the son of C.K. Mehta. And he will also tell in his letter ki what all is happening. Global economy mein kya chal raha hai. Dear stakeholders, then entering the 50th year. Phir major prospects in Indian chemical industry. I think I'll just read this out for you guys. Just a second, guys. We are just trying to connect the dots because we have read multiple annual reports of different chemical companies. And most of them have been talking about more or less the same trends. So major prospects in chemical industry, guys. So he will just talk about the major prospects in chemical industry. So the chemical industry in India has been actively gaining global market share. So pehli cheez to note is he's saying the company, the industry has been gaining global market share, not only the company. Leading players have demonstrated intent to scale up, diversify offerings, flow earnings back into business by pursuing innovation and sophistication. Right? Given its fundamentals, India's chemical industry is expected to keep growing at a fairly strong pace after absorbing FY21. Why is he saying absorbing FY21? Because of coronavirus. The coronavirus ki wajah se har jagah demand hi khatam ho gaya. Just a second, guys. Coming to the upper thing. All right, guys. Right. So technology continues to be on the rise. Looking towards an optimistic future, India's chemical industry is set for sustained growth, receiving impetus with capital investment and affirmative government policies. So Deepak Nitrite, he's saying is entering 50th years of operations. So we take immense pride on our track record, not just of financial performance, but also of relationships that we have also built along the way. Right. So he's just telling about the history of the company, what company has done. But now comes the important bit, right? Very important bit. Future growth driver of the company, what has company done over here, right? Just a second, guys. So he says, just a second.
So he basically says that during FY 2019-20, that is basically your FY20, what has happened is that the company Deepak Phenols, right, just जो हमने अभी देखा था company की subsidiary है, Deepak Phenols is basically the subsidiary company. So Deepak Phenols, having completed the first full year of operations after commencement of commercial production and running above 90% capacity utilization, right? तो हमें अभी यहाँ पे क्या मिला है, capacity utilization number मिला. तो हमने बात करी थी प्रेजेंटेशन के अंदर कि हम बिजनेस अपडेट्स में देखेंगे. तो यहाँ पे हमें पहली चीज क्या मिल गई, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. जस्ट अ सेकंड गाइस, कमिंग टू द सेकंड पेज. सो इट इज अ वैलिडेशन ऑफ द स्केल ऑफ कमिटमेंट एट द प्लांट एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ अ मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स टीम. राइट, सो दीपक नाइट्राइट एंडेड FY20 ऑन अ पॉजिटिव नोट डिस्पाइट मेजर डिस्ट्रप्शन फ्रॉम COVID-19. तो यहाँ पे बताएंगे COVID-19 क्या चैलेंज फेस करा रहे हैं. बट यहाँ पे इन मिडस्ट ऑफ दिस ऑल हमें एक नया प्रोडक्ट पता लगता है कंपनी ने जो लॉन्च करा है. गाइस सेकंड थिंग, रिमेंबर बिजनेस अपडेट्स की जो हमने बात करी थी इन प्रेजेंटेशन में, न्यू प्रोडक्ट. कमिंग टू द न्यू प्रोडक्ट, एट अमिड्स द पैन इंडिया लॉकडाउन इन April 2020, वी कमीशनड आवर प्लांट टू मैन्युफैक्चर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. राइट, आप कोई भी सैनिटाइजर पलट के देख लीजिए, उसके पीछे आपको IPA नाम की एक चीज दिखेगी. Isopropyl alcohol, a key ingredient for sanitizers. Our timing has been serendipitous as the Honorable Prime Minister has recently given a clarion call for Atmanirbhar Bharat or Self-Reliant India. Thoda sa narrative story, kahani bazi zyada hai. But again, important thing to look for is IPA ka production inhone commence kare. That is basically the entry into new product, right? So our triple bottom line approach, people, profit, dividend. अब गाइस इसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखना इसके अंदर. तो जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे अगेन इन्होंने अपने फिनॉल प्लांट का बताया कि वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट अ फिनॉल मेगा प्लांट ऑलमोस्ट अचीव मैक्सिमम कैपेसिटी इन जस्ट फर्स्ट फुल ईयर ऑफ एक्टिविटी, विच आई लाइक सेड इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी. बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री में 3 से 4 साल नेचुरली लग जाते हैं 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक आते हैं. तो पहले साल में 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ले आए अपने प्लांट की. Right? And यहाँ पे अब preparing for the future. जो हमने business strategy की बात करी थी business updates में, annual reports में, let me just point it out for you, this one guys. So why is it important? तो एक बारी हम बात करते हैं. Right? So in an uncertain future, stability becomes a great virtue. यहाँ पे जो ये बता रहे हैं. So Deepak Nitrite has been constantly working towards being future ready, which is essential to sustainably grow narrative. Ability to foresee changes in trends, enable organization changes, narrative. So guys, he says we are making continuous investments in productive assets, growth plans, etc. So yahan pe ek important cheez aati hai ki business strategy kya hai. So decisions taken to expand our facilities or expand into additional product lines are deeply thought out and followed out by meticulous planning. Forward and backward integration is a key pillar of our growth strategy. What? Forward. Just a second guys, underlining. Forward and backward integration is a key pillar of our growth strategy as it enables us to strengthen and reinforce our competitive positioning. So business ki strategy kya hai? To do integration, right? Integration. Ab koi puchega integration kya hota hai? To basically suppose karte hain, ITC ki baat karte hain, ek example lete hain. Ki aaj ITC plantation zone karte hain, right? Agar ITC प्लांटेशंस ओन करता है चाय की, टी एस्टेट्स ओन करता है, और अगर आईटीसी एक्चुअली में टी बैग्स के अंदर घुस जाता है, तो व्हाट इज दैट? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. आईटीसी टी प्लांटेशन से टी बैग्स और टी की मार्केटिंग में आ रहा है, वो आगे वाले स्टेप में जा रहा है वैल्यू चेन के. व्हेयरएज अगर आईटीसी टी बैग्स बनाते हैं और वो एक्चुअली में टी बैग्स से टी प्लांटेशन के अंदर घुस जाते हैं, तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? बैकवर्ड इंटीग्रेशन. राइट, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन एक्चुअली हेल्प्स मी लोअर माय कॉस्ट, और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एक्चुअली हेल्प्स मी इंक्रीज माय मार्जिन्स. तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है जो लोगों को समझना चाहिए. बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, आईटीसी जरूरी ऐसा नहीं है करता, इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. राइट, सो ऑन द बैक ऑफ द रोबस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड अ हायर इंटरिम डिविडेंड. इस बारी कंपनी ने डिविडेंड भी ज्यादा डिक्लेयर करा है. तो कितना डिविडेंड डिक्लेयर करें, बेसिकली 225% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच. गिवन द डेवलपमेंट्स विद रिगार्ड टू COVID-19 एंड इट्स फॉलोआउट, कंपनी हैज डिसाइडेड टू कंजर्व कैश अहेड. तो
आई थिंक इंटरिम डिविडेंड ही टोटल डिविडेंड है. तो जस्ट सेइंग कि दैट एवरी बिजनेस हैज बीन अफेक्टेड बाय COVID-19 एंड दिस इज नथिंग न्यू. तो दिस इज अ पार्ट एंड दिस इज योर सीईओज लेटर. तो यहाँ पे भी आई थिंक ही मेंशंस अबाउट द आईपीए प्लांट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्लांट, जो इन्होंने अप्रैल 2020 में एस्टैब्लिश करा है. वेयर जस्ट कमिंग डाउन, दिस इज बाय मौलिक डी मेहता. तो ये है सीईओ इस कंपनी के. वेयर एज दीपक सी मेहता इज द एमडी एंड द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, राइट? एंड दिस इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, मौलिक सी मेहता. बोथ ऑफ देम आर ब्रदर्स. So what does this tell me? That the company is promoter run company, right? And now coming to your CFO's communique. अब यहाँ CFO के communique में एक बहुत important चीज है जो देखनी है. तो यहाँ पे मैं आपको दो paragraphs underline करके दिखाऊंगा. If you're reading, तो you should read it all. यहाँ पे दो तीन paragraph आपको underline करके दिखाऊंगा. पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इस company का product strategy क्या है, company क्या चीज aim कर रही है. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या केपेक्स करने से पहले आप 50, 60, 70 करोड़ या 300-400 करोड़ की फैक्ट्री ऐसे तो लगा नहीं देंगे. तो आपका कोई बिजनेस स्ट्रेटजी होना चाहिए उसके बिहाइंड. तो एज शेयर होल्डर, इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस स्ट्रेटजी बिहाइंड सच थिंग्स, मे बी वी कैन अचीव अ लॉट, राइट? सो अगेन वी स्टैंड ऑन कस्प. अगेन जस्ट अ सेकंड गाइस, नैरेटिव है थोड़ा सा. एंड ओवर हियर ही सेड दैट वी वर एबल टू report improved margins in all of the business segments on a standalone basis as well as higher profitability in our wholly owned subsidiary Deepak Phenolics Limited, right? Through DPL we achieved a key milestones by substituting a majority of local market imports of phenols and acetones, reportedly attaining a market share of 65%. So basically what he is telling me, let me just write it down for you. Phenols ke product mein, Phenols के अंदर company has attained a market share of 65%, right? How much market share the company has attained? 65%. And DNL, he says, has been a front runner in tapping import substitution opportunities. तो अब कोई भी annual report उठा लेंगे दीपक नाइट्राइट की, they keep on saying कि we are looking to substitute imports. तो import substitution के अंदर क्या करते हैं? Basically, they are targeting chemicals जहाँ पे 60-70% chemical is imported in India. 60-70% वो वाला केमिकल इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में. तो व्हाट दीपक नाइट्राइट इज डूइंग दैट दे गो एंड दे पुट अप अ प्लांट ऑफ दैट केमिकल, उस केमिकल का प्लांट लगा देते हैं. एंड काफी बड़ा प्लांट लगाया, जैसे फिनॉल्स का इंडिया में डिमांड ही कुछ 350 MTPA का था पर ईयर. तो दीपक ने आई थिंक सो 300 MTPA का ही प्लांट लगा दिया. तो बेसिकली दीपक नाइट्राइट का कैपेसिटी उतना हो गया ऑलमोस्ट जितना मार्केट था, राइट? जितना मार्केट था उतना ही दीपक नाइट्राइट ने कैपेसिटी लगा दिया. सो गाइस, दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फॉर द स्ट्रेटजी. तो इस बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या है? बेसिकली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. एंड यहां पे आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दिखाऊंगा, दिस वन गाइस. ड्यूरिंग FY 19-20 DPL, व्हिच इज योर दीपक फिनोलिक लिमिटेड, हैज आल्सो डिलीवर्ड अ रोबस्ट परफॉर्मेंस विद हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट सिक्लिकैलिटी इन फिनोल एंड एसीटोन प्राइसेस ग्लोबली. Right, phenol production volumes were just short of 200,000 tons or above 90% capacity utilization. So maybe 300,000 MTPA का नहीं है, तो it is close to 200,000 MTPA के आसपास इनका capacity है. 200,000 MTPA या 220,000 MTPA के आसपास होएगा. हमें यार ऐसे पता लग ही जाता है इसके अंदर. And यहाँ पे इनका एक बहुत important और जो factor पता लगता है ये वाला, कि just a second guys, I'll just point it out for you. So in April 2020, DPL commenced commercial production of isopropyl alcohol, right? Just a second, sorry. Right, guys. So in April 2020, Deepak commenced commercial production of isopropyl alcohol. IPA is a solvent primarily used by pharmaceutical companies and is also used for manufacturing sanitizers, right? Plant has a production capacity of 30,000 MT. माने 30,000 MT की capacity है annually, which is expected to serve humanity at the time of crisis. And ये plant इन्होंने लगाया कैसे? आगे भी ये बताएंगे कि we have put this plant by forward integrating into from acetone into IPA. तो इन्होंने acetone का जो plant लगाया था phenols के साथ, उससे इन्होंने forward integrate कर लिया है. अब यहाँ पे एक और भी बहुत important चीज जो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे these guys tell over here
enhanced credit rating. That DNL is a well placed in the industry, delivering quality guided by robust product mix. Thus, on the back of steady performance over the years, ICRA has upgraded long-term credit rating from ICRA AA positive to ICRA AA minus stable. Right? I think so. ICRA A positive to AA minus stable. One A positive ke baad AA minus stable hai, and AA minus stable ke baad AA positive aata hai ga. Right? And CRISIL ka bhi rating improve hua hai, to har jagah inka credit rating improve ho gaya. To credit rating ke eyes mein improve ho gaya. Guys, credit rating improve hone se kya matlab hota hai? Basically, अगर credit rating improve हो गया तो कंपनी का क्या घट रहा है? Basically, कंपनी का cost of capital गिर रहा है. What is falling is cost of capital. क्योंकि bankers की आय में, क्योंकि in the eyes of the banker, the company has become relatively safer to lend to. So this reduces your interest rates at which the loans are being lent. अगर credit rating किसी company की improve हो रही है तो, right? This is what credit rating improvement means. So guys, this is what the CFO letter is. So guys, we'll just take a short break, and after the short break, we'll be talking about the board of directors, the management discussion and analysis, and we'll be jumping right into the financials and the notes of the company. See you after 2 minutes. Hi guys, welcome back after the short break. तो अब हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करेंगे इस कंपनी की देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट सेगमेंट्स दैट आर देयर इन द बिजनेस देन वी विल बी लुकिंग एट मैनेजमेंट लाइक द एमडी ऑफ द बिजनेस जिसमें हमें जो मैनेजमेंट का डिस्कशन एंड एनालिसिस उसमें वो पता लगेगा एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी विल बी चेकिंग आउट द बैलेंस शीट द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द इनकम स्टेटमेंट तो हमारे लिए यूजुअली क्या ऑर्डर रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इट इज यूजुअली द बैलेंस शीट कम्स फर्स्ट देन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देन द इनकम स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा एंड नोट्स टू अकाउंट्स की भी हम बात करेंगे गाइस कमिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर यू गाइस राइट जस्ट अ सेकंड तो कमिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी तो एज वी ऑल सॉ इन द बिगिनिंग दैट श्री दीपक सी मेहता राइट So Deepak C. Mehta, who's the elder son of C.K. Mehta, and who's C.K. Mehta? C.K. Mehta is basically the founder of the company, as we all learned before. And unka kya role hai is company mein? He's a chairman and the managing director. And what does he do? That Shri Deepak C. Mehta is a science graduate from the University of Mumbai. And it is at helm of affair at Deepak Nitrate Limited for last 48 years. तो यहाँ से मेरे को एक क्या फैक्ट मिल रहा है और कि सिंस द लास्ट 48 इयर्स हाउ मेनी इयर्स लास्ट 48 इयर्स श्री दीपक सी मेहता हैज बीन इन द कंपनी राइट एंड उसके बाद हमारे पास कौन आता है श्री मौलिक डी मेहता तो हु इज श्री मौलिक डी मेहता बेसिकली ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी ही इज व्हाट ही इज सीईओ ऑफ द कंपनी हु इज दिस ही इज एमडी ऑफ द कंपनी So he's been running the company for the last 48 years and he's been a part of the company for the last 48 years now. And Shri Maulik Mehta has been appointed as the executive director and CEO of the company with effect from 1st June 2020. He is a Bachelor of Business Administration from University of Liverpool, UK. He holds a Master's in Industrial Organizational Psychology from Columbia University, USA. He is a part of Harvard Business School's prestigious Owner and President Management Program. And he possesses around 12 years of experience. So basically, another learned guy, another experienced guy, can't for say sure learned or not. But since they're managing a company worth 7,000 crore, so can be someone who's learned, right? So he's also the CEO of the company right now. And guys, another interesting is Shri Maulik D. Mehta, right? Who is Shri Maulik D. Mehta? Shri Maulik D. Mehta is basically the son of Shri Deepak C. Mehta. Jo Deepak C. Mehta, unka jo, the name of his son is Shri Maulik D. Mehta. And what does Shri Maulik D. Mehta do? Maulik D. Mehta is the CEO of the company and he's the executive director. Right? He's the executive director. And guys, what does this tell me? He's the father, he's the son. So what does this tell me? Ki what is taken care of? Basically, jo succession planning jisko hum kehte hain. Succession planning is taken care of in this business. So is business mein koi key man risk nahi hai. Key man risk nahi hai. Kyunki kuch businesses hote hain jisme ek promoter hota hai. Basically, woh 90 years ka promoter hai.
एंड 90 ईयर्स के प्रमोटर के बाद उस प्रमोटर का कोई ना ही बेटा ना ही कोई बेटी है, तो उस बिजनेस के अंदर की मैन रिस्क बहुत ज्यादा आ जाता है. तो जो की मैनेजरियल रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट दिस टेल्स मी दैट द कंपनी हैज ऑलरेडी डन अ गुड थिंकिंग, कि उन्होंने जो प्रमोटर है उसके बेटे को ऑलरेडी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर दिया है. एंड सिंस 20 June 1, 2020 ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, राइट? ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ द कंपनी. तो बेसिकली व्हाट दिस दिस टेल मी की जो सीके मेहता है, सीके मेहता का जो बेटा था, दैट इज श्री दीपक सिंह मेहता, came into the operations of the company. And after Deepak C. Mehta, she Malik D. Mehta is coming. So succession planning is taken care of. This is what this tells me, board of directors mein, right? So guys, it is important to note ki company ke andar kaun-kaun aa raha hai, kaun-kaun ja raha hai company mein, because this gives an insight, right? Ki kahan pe company ka succession planning hai ya nahi hai. And board, jo board of directors hai, unki bhi quality pata lagti hai. Now, coming to the CFO of the company, so Shri Sanjay Upadhyay is an associate member of Institute of Cost Accountants of India. He's a fellow member of Institute of Company Secretaries of India. He has completed advanced management program from Walton, USA. Whereas all the people on the board are pretty educated, and he is associated with the company since 1994. Again, a long-term employee, almost a long-term association, if not an employee as per so. During the span of his career, he has held important positions in the company prior to joining the board as Director of Finance and CFO in year 2017. Right, so this is what Shri Sanjay Upadhyay does. And another insight is ki, since he has also been associated with the company for long, this is, might give me an indication that the company has a like culture of retaining talent, right? Because 1994 se aapke saath koi joda hua hai. Then jo non executive director or independent directors kaun hai company mein, to Shri Ajay C. Mehta, again he has a bachelor degree in science from University of Mumbai and a master's degree in chemical, right? And again he's been associated with Deepak since 1984, as we all can see. Let me just point it out for you, right guys? So guys, important thing to notice ki your returns are decided by the people who are running the business, and if people who are running the business are really competent, so your returns are also going to be good. That is what usually happens, right? So he's been associated with the company since 1984 and was a managing director of the company from 1989 till December 2017. With extensive experience, a comprehensive approach and industry foresight, Shri Ajay C. Mehta has paved the way for innovation and excellence at Deepak Nitrite. He is presently a non-executive director in Deepak Nitrite and a managing director at Deepak Novochem Technologies Limited. Again, material information for me. This guy is the MD of Deepak Novochem Technologies Limited. So what are the implications of it? Maybe we'll discover later. And he is a member of Maratha Chamber of Commerce, la. So basically, again, seems like he's another family member. Could be a brother or something. Shri Ajay C. Mehta, or could be an uncle too. So that we can check simply by Googling. And then independent director mein Shri Sudhir Makkad hai, right? He is the IAS officer, has served in senior positions both with Government of India and Government of Gujarat, so retired IAS officer hai. Then there is Shri Sandesh Kumar Anand, who has a rich experience of 47 years in field of project management. So again, board seems to be pretty experienced. And board pe do teen bahut interesting jo mereko log dikhe. तो यहाँ पे ये जो डॉक्टर रिचर्ड एच रूप है, तो बेसिकली गाइस इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज, लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर यू गाइस, इट्स रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऐसी क्वालिटी के लोग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इनका लिंक्डइन पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन से भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तो डॉक्टर रिचर्ड एच रूप, राइट? सो बेसिकली दिस डॉक्टर हैज हेल्ड वेरियस टॉप लेवल पोजिशंस इन लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी सच एज हॉइस्ट एजी एंड लॉन्जा and Allianz Chemie Germany. Guys, what is happening these days is Lonza is one of the largest CRAMS manufacturer in the world. Is the one of the largest what? CRAMS manufacturer in the world. It's a company listed in Switzerland, right? And this is a company which is known for what? It is known for its technology. So Lonza is a company which is known for its technology. All right, guys. So Lonza is a company which is known for its technology. So what this can possibly mean is that maybe Deepak Nitrite would also start getting into newer chemicals, as we have already seen with the case of entering phenols and acetone.
राइट, फिनॉल्स एंड एसिटोन. फिनॉल्स और एसिटोन का भी क्या प्लान है वो हमें एनुअल रिपोर्ट के अंदर पता लग जाएगा. एंड गाइज, इंटरेस्टिंग रिक्रूटमेंट, बिकॉज अगर आप एक केमिकल कंपनी और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बहुत बोर है, सारे उसमें कोई भी टेक्नोक्रेट नहीं है, टेक्नोक्रेट बेसिकली किसी को भी डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है केमिस्ट्री का, तो वहां पे प्रॉब्लम आने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है. तो डॉक्टर स्वामीनाथन सेवारम इज अ पॉलीमर केमिस्ट. अगेन गाइज, क्या किसको इन्होंने बोर्ड पे बिठा रखा है, बेसिकली अ पॉलीमर केमिस्ट. तो अगेन समवन हु इज कॉम्पिटेंट इन केमिस्ट्री, बिकॉज पॉलीमर साइंस और पॉलीमर केमिस्ट्री, अगेन पॉलीमर केमिकल्स भी काफी ज्यादा फेमस है, राइट, काफी इसका बड़ा मार्केट है. देन देयर इज अनदर वन, श्री संजय एशर, ही इज अ प्रेजेंटली सीनियर पार्टनर विद बेली, लाइक क्रॉफर्ड बेली एंड को, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग सॉलिसिटर एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो ही इज बेसिकली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो गाइस, इंटरेस्टिंग पीपल देयर ऑन द बोर्ड. एंड इनका भी अगर हम पूरा पढ़े तो इवन ही हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड, सेम गोज फॉर हिम एज वेल. So guys, this is the board quality which Deepak Nitrite has. And what one can do as well is, one can easily, over the last 5-6 years, one can actually change, see the changes in like the board composition. Ki board ke andar kaun kaun baitha hai, ki board ki composition kaise change hui hai over a period of time. Agar board ki composition mein more and more professionals have been introduced, so that's a good sign. Because that basically shows that, so that basically shows you that the promoter is trying to professionalize the company more and more. Right, guys. So coming to the business segments of the company, like the business has today close to four segments are there in the business. And in the annual report itself, those four segments are mentioned, right? So yahan pe jab hum start karenge baat, to hum business segments mein aa jayenge. So guys, just before we proceed, to yahan pe these are the business segments. So I want you to remember this. So I'll just write it down for you as well. कि यहाँ पे मैं left पे लिखते भी जाऊँगा. First business segment is basic chemicals, right? What is the first business segment is basic chemicals. Basic, just a second, guys. Basic chemicals. It's important to realize because अब हम बात कर रहे हैं कि अगर एक family है जिसका काफी सारे business, एक family है जिसका एक ही common business है. राइट, तो सपोज करते हैं एक फैमिली का बिजनेस जिसका लाइक गोल्ड एंड डायमंड का है, तो उसमें क्या हो सकता है कि चार हिस्से हो सकते हैं. एक का डायमंड पॉलिशिंग का हो सकता है, एक का डायमंड कटिंग का हो सकता है, एक का गोल्ड का हो सकता है, और क्या पता एक किसी की दुकान हो सकती है, राइट, उस सबको बेचने के लिए. तो सिमिलरली बिजनेस सेगमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ना, वी नीड टू सी द ड्राइवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि इन चार बिजनेस सेगमेंट में कौन सा बिजनेस सेगमेंट इज एक्चुअली द ड्राइवर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. सो मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स आई हैव मेट विद, मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स आई हैव इंटरैक्टेड विद, सो दीस गाइस लाइक इन माय हंबल ओपिनियन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि पीपल फॉरगेट टू रीड द ड्राइवर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीपल फॉरगेट टू रीड द सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस. बट इफ यू डू नॉट रीड द सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस, देन यू विल बी ऑलवेज लॉस्ट, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बिजनेस के क्या क्या हिस्से हैं बेसिकली, राइट. So coming to the first segment, that is a basic chemical. So Deepak Nitrite manufactures nitrites, nitrotoluidines and fuel additives. So cost leadership is one of the four most competitive advantages required to drive growth and profitability, as most of these chemicals are sold in high volumes, right, with greater price sensitivity. So another business update which I got. What did I get? That the customer is price sensitive. The customer is price sensitive. So this could either mean two things. जो basic chemicals का business है, यहाँ पे यहाँ तो ये business थोड़ा सा low margin है, right? Or what is there that this business has commodity characteristics. इस business के अंदर commodity characteristics है, इसलिए management cost leadership की बात करी और price sensitivity की बात करी है. So these chemicals are typically manufactured in standard specifications, right? So कोई custom specification नहीं है कि सबके लिए एक ही type का launch होएगा. So what this means is basically कि आपका जो अगर standard launch हो रहा है तो उसका कुछ customize नहीं है, तो value addition थोड़ा सा कम हो सकता है इन chemicals के अंदर. तो आगे पता करते हैं कि इस chemical में है क्या क्या, एंड COVID का क्या impact आया है. तो basic chemicals find application in dyes, pigments, pharmaceuticals, agrochemicals, concrete mixture, water treatment, rubber, heat treatment, glass industries, industrial explosive and fuel additives. तो बाद में जब हम इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, सेगमेंटल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि बेसिक केमिकल्स बिजनेस का कितना परसेंटेज है. कमिंग टू फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स,
So finance specialty chemicals, maybe what the company does is that the company manufactures specialized and exclusive products which are developed using company's expertise with respect to processes and technical skill sets. These products are specifically customized as per client's recommendations and are typically manufactured in lower volumes, but they command very high value and profitability. So guys, what does this indicate to me, right? So basically, fine and specialty chemicals, what is this indicating to me? Like when I just do a versus, right? A comparison between basic chemicals and fine and specialty chemicals. So this seems to be a high volume business. High volume, but low margin business with no specification. So guys, coming to the fine and specialty chemical business. So what this basically means, that this is a low margin business, right? This is a high margin business where the volumes are low. So this is a low volume business, but high margin, right? And let's read what else the management has to say, like what the annual report has to say. So these products are customized, as we read earlier. So these are customized products as compared to basic chemicals, where we read that those are like standard products. Jo humne yahan pe padha tha, yahan pe greater price sensitivity hai, right? Greater price sensitivity. And these products are like typically manufactured in standard specifications, but that is not the case with fine and specialty chemicals. That is the case with basic chemicals, right? So these products are specifically customized as per the client's recommendations, right? So customized, low volumes, high margins. What else is there? So fine and specialty business segment produces specialized niche compounds from various processes and requires technical skills, technological competencies in handling potentially complex reactions. So guys, one thing to be very clear in chemical business is wherever there are complex reactions and wherever a lot of technology is required, in what are the financial implications? These are the places where margins are higher most of the times. So what is the management trying to tell us through the annual report? Ki bhai, hamara jo fine and specialty chemical wala business hai, yahan pe our margin is higher as compared to the basic chemical business, right? So your company witnessed increased demand, what he says, before going to that, end user dekh lete hain. End users are agrochemical, pigments, pharmaceuticals, personal care segments, right? And again, company says your company witnessed increased demand for key products in the export markets, which also led to solid realization gains. So yahan pe solid realization gains ho hai, right? So this could be margin expansion hua hai yahan pe. Whenever the management mentions this, so yahan pe there's a possibility of margin expansion wherever there's a solid realization gain. So again, a business update, an update about the margins, like reading between the lines. This is how they say you need to read an annual report. You need to read between the lines. See, information is out there. It is all dependent upon our own analysis of that information. Ki kaun sa investor sabse zyada accurately us information ko analyze karke bet le sakte hai. Those are the guys who make a lot of money, right? So performance was also bolstered by benefit accruing from backward integration initiatives, right? Capacity expansion for established products. Again, guys, what is this? A business update, right? Business update ke aaspaas hamare paas aur kya pata laga? Yahan pe capacity kya hui hai? Expand. Capacity expansion, right? And one more thing, yahan pe hamare paas aur bhi kya hai? Margin update. जो हमने अपना फ्रेमवर्क लगाया था वीडियो की बिगनिंग में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमने आपके लिए चेकलिस्ट भी एक छोड़ रखी है। तो यहाँ पे क्या भी हुआ, एक और चीज मार्जिन एक्सपेंशन हुई है, राइट? मतलब हो पॉसिबिलिटी ऑफ अ मार्जिन एक्सपेंशन तो हमने देख ही लिया। एंड और क्या है, यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सो बेसिकली आप अपना रॉ मटेरियल इन हाउस खुद ही बनाने लग गए हो। तो कभी भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है किसी बिजनेस में, तो दैट इज बेसिकली कि आप फ्रंट एंड ऑफ द बिजनेस से आप सीधा बैक एंड ऑफ द बिजनेस पे जा रहे हो, शायद से आपको लगता है कि कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ सकती है। सो दिस इज गाइस व्हाट बैकवर्ड इंटीग्रेशन मींस। सो अनदर इंटरेस्टिंग ट्रेंड, बिकॉज दीपक नाइट्राइट की अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वील सी दैट दे आर एक्चुअली ट्राई टू गो इन टू केमिकल्स वेयर दे कैन इवेंचुअली बिकम अ वेरी डिवर्सिफाइड प्लेयर, अ टोटली इंटीग्रेटेड प्लेयर। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, सब कुछ दे ट्राई टू डू। अभी हम नीचे जब आएंगे तो वील ऑल्सो सी कि इन्होंने ऐसा कहां पे और करे, राइट? तो कमिंग टू परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स गाइस, अब यहां पे बहुत अच्छी इनसाइट आपको मिलेगी, बिकॉज परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स हैज बीन देयर स्टेलर परफॉर्मर इन लास्ट वन और टू इयर्स,
sorry, that is not an irony, in fact, but actually it has been. So let me just read it out for you, and uske baad we'll just go through the MDA, and then we'll skim through the financials of the company. So yahan pe dekhte hain, Deepak Nitrite is a leading fully integrated manufacturer of OBA. Guys, kahin pe bhi problem hoti hai, annual report karte hai, you can use your best friend. And what is your best friend? That is Google. तो अगर आप OBA केमिकल को गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा OBA is basically optical brightening agent. Optical brightening agent. And this is used in detergents. Detergents में use होता है, paper में use होता है, right? And textile में भी use होता है. So basically detergent से जो whitening होती है, right? जो whitening effect आता है detergent का, that comes due to DASDA and OBA. So this is what it means. And guys, why I like reading annual reports is because it is actually like reading an encyclopedia. Kafi insight aata hai different products mein. So OBA, which is backward integrated from basic building block up to the feedstock of Taulin to PNT, further into DASDA and OBA. Guys, do not be confused. So basically he's saying Deepak Nitrite is a fully integrated player, right? Business update. Remember, business update, keep it in your mind. आपको business बारे में कुछ नया पता लगे कि Deepak Nitrite OBA का fully integrated player है. Fully integrated. Fully integrated का मतलब क्या है कि आपने इसका backward integration कर रखा है पूरा, right? इसका जो raw material है, यहाँ पे हम raw material जो बात कर रहे हैं, basic building blocks. कभी कभी chemical industry में आप देखेंगे तो basic building blocks होते हैं उसकी beginning में. Basic building blocks. Basic building blocks के बाद feedstock आता है. उसके बाद आपके बल्क केमिकल्स या फिर आपके जो हायर मार्जिन स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं उसके बाद वो आते हैं, राइट? तो बेसिकली व्हाट दीपक नाइट्राइड इज ट्राइंग टू टेल अस इसकी जो इसका रॉ मटेरियल है, राइट, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और फीड स्टॉक है, दीपक नाइट्राइड वहां तक इंटीग्रेटेड है गाइस. तो दैट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन टर्म्स, बट वी ऑल्सो नीड टू चेक द मार्जिन एंड एवरीथिंग. क्यों पता क्या मतलब क्यों बेसिक इतना सारा इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है, राइट? So these products have strict requirements in terms of performance, technical specifications, and over the years, your company has targeted and built a robust global customer network. So performance product segments finds application in paper, detergents, and textile. Jaisa hum already dekh chuke hain, jo hamari Google search se hume pata laga tha. And it's a key value in the characteristic of the main product. Your company's efforts of reorienting its industry and geographical mix to ensure better product acceptance played a major role in driving performance. Further, Deepak Nitrite's position as a fully integrated supplier of OBA has strengthened with its competitive advantage. Basically, fully integrated supplier, so this has been a competitive advantage for them. So during the year under review, we witnessed healthy realization gains. Guys, हमारे framework में कहाँ पे लग रहा है? Margin expansion में. क्या हुआ है? इसके अंदर realization gains हुए हैं. And it's up to us to see whether these realization gains are temporary or permanent. We'll come to that eventually. In DASDA, which bolstered our overall performance in the performance product segment, right? So this is, I'm done with performance products. Now let's come to Phenolics, which is the most interesting area of the business and which can be the future performance driver of the business. So we saw that Deepak Nitrite recently a wholly owned subsidiary lagai hai Phenolics. Deepak Nitrite ne Deepak Phenolics Limited naam se a wholly owned subsidiary lagai thi. I think so. The company began commercial production at its mega phenol and acetone facility in Dahej, Gujarat in November 2018. So, माने 2018 November में what this company did कि this company put up a plant for phenols and acetone. Phenols plus what? Acetones, right? The facility has an installed capacity of 200,000 MTPA to manufacture phenols, 120,000 MTPA to manufacture acetone. It also has facility to produce 260,000 MTPA of cumene. Guys, ab ye jo capacity hai, ab ye kya hai? You tell me. The listener, you think about it. What is this? Another business update. कि आई एम गेटिंग टू नो कि कैपेसिटी कितना है बिजनेस का, राइट? इस सेगमेंट में बिजनेस का कितना कैपेसिटी है ये मेरे को पता लग रहा है. तो इट इज अनदर बिजनेस अपडेट फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, राइट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरिंग इनटू दीज प्रोडक्ट्स वाज टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स. व्हाट इज दिस बिजनेस स्ट्रेटजी हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से
कि दिस इज द फ्रेमवर्क, राइट? फ्रेमवर्क में क्या है, ये बिजनेस स्ट्रेटजी, व्हाट इज द मैनेजमेंट थिंकिंग टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स एंड पैरेलली ग्रो द डोमेस्टिक डिमांड, राइट? सो योर कंपनी हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज द मोस्ट रिलायबल प्लेयर फॉर फिनॉल एंड एसीटोन इन द डोमेस्टिक मार्केट विद इट्स मार्केट शेयर टचिंग ऑलमोस्ट 65%. So almost this business is a monopoly. This is a monopoly business which the company has established recently. And during the financial year under review, your company has successfully been able to substitute majority of the imports. The company said that we'll be substituting imports, and I think they're saying we have been able to do that. And it was also able to operate its manufacturing capacity close to above 90%, which is nothing short of extraordinary. कि पहले साल में ही आप 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ले गए, विच इज अ रियली रियली डिफिकल्ट टास्क टू डू, स्पेशली इन केमिकल बिजनेस, क्योंकि यू ऑलवेज इंस्टॉल कि 2-3 साल में हो जाएगा, बट अगर इतने टाइम में ही हो गया तो आई थिंक इट इज एक्स्ट्रॉर्डनरी. अब गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिट्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट इज अबाउट टू कम, सो आई नीड योर फुल अटेंशन, सो जस्ट पे अटेंशन टू दिस बिट. सो गाइज, इन लाइन with its objective of moving into value-added downstream products with captive raw material consumption, your company commissioned a plant to manufacture isopropyl alcohol from acetone with a capacity of 30,000 MTPA in the month of April 2020, right? Ye to humne pehle bhi dekha tha ki IPA ka inhone capacity lagaya. Now, important thing to notice the future area of growth, right? Hamare framework mein future area of growth kya hai? It will continue to explore such products in the future to drive business momentum and focus on profitability. Right? So guys, basically the company is saying that ki ab humne phenols aur acetone ka humne upstream plant laga liya. So what is this upstream? Aajkal jo Reliance kar raha hai, Reliance basically has the data, right? So what Reliance has basically done, रिलायंस ने अपस्ट्रीम चीज लगा ली है, दैट इज द डेटा. और फिनॉल्स के केस में क्या है, दीपक फिनॉल्स, दीपक नाइट्राइट के, इन्होंने फिनॉल्स और एसीटोन का अपस्ट्रीम लगा लिए. क्या लगा लिए? अपस्ट्रीम. जस्ट अ सेकंड गाइस, अपस्ट्रीम लगा लिए. तो इसके जो डाउनवर्ड्स डेरिवेटिव्स बनते हैं, अब कंपनी का फोकस कहां पे आने वाले, डेरिवेटिव्स में, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, द डेरिवेटिव्स ऑफ सम केमिकल और डेरिवेटिव्स ऑफ एनीथिंग, कि अगर आज हम टेलीकॉम देखें रिलायंस का, तो टेलीकॉम इज अ लो मार्जिन, लो आरओसी, ऑलमोस्ट अ शिटी काइंड ऑफ बिजनेस. पर जब वो डाउनस्ट्रीम में आएंगे, जब वो एप्लीकेशंस में आएंगे, जब वो यहां सब आएंगे, दैट इज अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस. बट इट इज स्टिल रिमेनिंग टू बी सीन दैट हाउ द कंपनी परफॉर्म्स. तो दीपक नाइट्राइट के केस में क्या है, इट विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर सच प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर टू ड्राइव बिजनेस मोमेंटम एंड फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. तो जब आप डेरिवेटिव्स एंड लाइक डेरिवेटिव्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में आते हो, तो क्या है यहाँ पे, क्या ज्यादा है यहाँ पे, ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा होएगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू द अपस्ट्रीम, राइट? आपका अपस्ट्रीम ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो आप ऑलरेडी रॉ मटेरियल पे आपका कंट्रोल है, तो यहाँ पे हमेशा मार्जिन ज्यादा होगा, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल सोर्स नहीं करना पड़ता, राइट? एंड दीपक ऑलरेडी हैज द लार्जेस्ट फैसिलिटी ऑफ फिनॉल्स एंड एसीटोन इन द कंट्री राइट नाउ. सो गाइस, कमिंग डाउन, तो यहाँ पे प्लांट्स की पिक्चर है, then differentiators, clean water. So basically, जो भी corporate social responsibility का यहाँ पे थोड़ा सा दिखता है कि what are they doing for the employees, right? So we'll be now going straight away to the management discussion and analysis, which is one of the, if not the most important things to check out in an annual report, right? So coming to management discussion and analysis. So guys, again over here, just a second, guys. Let me zoom it out. All right, guys. So basically, with whichever MDA you will read, we call this in short form as MD&A. So management discussion and analysis. हम किसी भी कंपनी का पढ़ेंगे, so they always start with global economic scenario. कि global economy growth कितनी है? So lowest growth or like recording its lowest growth of the decade at 2.4%, like from 2010 to 2020. And so guys, not so much like importance to be given to macroeconomics. You need to have an idea, but you cannot take bet on macroeconomics. So hum ek bari country ka bhi padhenge, so we'll just ignore the macroeconomic bit. Fir Asia and epicenter of global growth, inka actually annual report mein information kafi acha de rakha hai. Fir Indian economic scenario ki baat kariye,
कि ऑन द बैक ऑफ वीकनेस इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया जीडीपी ग्रोथ हैज डिप्ड टू एन 11 ईयर लो ऑफ 4.2%. तो किसी को भी जीडीपी नंबर्स या जीडीपी के बारे में पता करना है तो दे कैन रीड दिस. बट गाइस नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट ट्रेंड. सो अब हमें इंडस्ट्री के बारे में भी ये बताते हैं अपने एमडीएनए में. तो इंडस्ट्री की एक बारी बात करते हैं. सो द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री करंटली स्टैंड्स एट $4 trillion इन एनुअल सेल्स. व्हाट इज द इंडस्ट्री साइज इन टोटल? $4 trillion, राइट? Now we'll be finding a lot more information about what is happening in the industry. So over the past 2 decades, this industry has witnessed a structural shift of manufacturing dominance from west to the east. So what has happened? That easternization of chemical production has happened. Easternization, right? From west to the east. China alone represents a dominant 35% share of global chemical industry, whilst India has only modestly benefited from the easternization of chemical manufacturing. It is, however, expected to be one of the fastest growing chemical markets in the world in coming years, and India is set to be a key beneficiary of structural shift in global supply chain. Right? So again, what can we draw conclusions is ki 35% market share kiske paas hai global chemical industry mein? China ke paas, right? So India still is trying to gain some advantage, but abhi pata nahi ki kitna hai, to wo bhi hum aage jaake dekhte hain. Just a second, guys. All right, guys. तो अब और क्या हमें इंडियन केमिकल इंडस्ट्री पे हमारे बारे में पता लग सकता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं. Now the chemical industry in India, right, covers a wide array of more than 70,000 commercial products. India is the 6th largest producer of chemicals globally and 3rd largest producer in Asia in terms of output. The country ranks 3rd globally in production of agrochemicals and contributes 16% of global dye stuff and dye intermediates production. On the exports front, India shares stands at 12.5% and it ranks 14th in exports and 8th in imports of chemicals, right? Excluding pharmaceuticals. Abhi hum pharma ko exclude kar rahe hain. So guys, important to notice, just be with me, right? So the Indian chemical industry is expected to double to $300 billion by 2025. Right now, we are in 2020, right? So, agle 5 saal mein, agar industry ko double hona hai, to mota mota kitne ka CAGR aana chahiye? 15% ka. Recording an annual growth rate of 15 to 20%. To achieve this, government is working on draft chemical policy, right? So guys, this is how we get to know about industry analysis. Some people asked me ki industry analysis bare mein kaise jante hain. So you can read different annual reports, you can pick up different sources of data. Agar main 8 ya 9 chemical companies ki annual report uthata hu, sab mein likha hua hai ki chemical industry is expected to double, chemical industry is expected to double, so I might get interested in that sector, right? So guys, important to check annual reports for this reason too. And if you haven't checked our industry analysis video, that too is mentioned in the comment section or the description box. So guys, coming to the moving forward with the annual report, so yahan pe hum dekh sakte hain again over here they say ki focus on decreasing chemical imports. So India ranks 8th globally in chemical imports. Matlab India chemical production ke bawajood bhi aaj bhi it ranks 8th in terms of chemical imports, right? So, despite improving conditions of the Indian chemical industry, to grow and make a significant impact at a global level, many intermediates value-added chemicals are still falling short of required volumes. The Indian Chemical Council's aim to achieve a turnover of $300 billion by backed by government support, proposed infra and policy changes. The investment required for this estimated is to be around $75 billion to $100 billion, right? Just to reduce India's dependence on imports, we need to spend close to $75 to $100 billion to substitute our imports, right? So guys, again, over here, structural growth drivers are mentioned over here. So, yahan pe, moreover, just a basic overview of the chemical industry has been given along with the economy. So, performance of your company. So, company FY19-20 will go down as a milestone, right? Why is it a milestone? Because company entered 50th year of its operations. And let's come down to yahan pe, let's see this.
again another business analysis which we'll find. Let me just point it out for you over there. The strategic decisions undertaken to expand your company's facilities, right? तो यहाँ पे हमें क्या पता लगने वाला है जब हम नीचे जाएंगे, तो कोई बिजनेस अपडेट हमें पता लगने वाले हैं. क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, एक बार उसकी बात करते हैं. तो यहाँ पे नीचे आते हैं, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी कैलिब्रेटेड मैनर आर टेस्टिमेंट टू इट्स एफर्ट्स ऑफ बीइंग फ्यूचर रेडी एंड डिलीवरिंग टू इट्स कमिटमेंट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ. योर कंपनीज परफॉर्मेंस वॉज लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेड ग्लोबल शिफ्ट ऑफ चेन्स फ्रॉम चाइना टू अदर रिलायबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया. Sensing this opportunity, your company was quick to structure its production to favor products that enjoy a more favorable demand scenario. As we saw that the company established a phenols business, right? So, yahan pe ab hume thoda financials ke bare mein bhi pata lagna lag jayega, right? So, during the year, your company demonstrated all-around performance by healthy growth across SBUs. Mane jitne bhi different business segments hai, uske across healthy growth aayi hai, right? Kin pe? तो स्टैंड अलोन बेसिस पे अभी हम सिर्फ फिनोलिक्स को एक्सक्लूड करके देख रहे हैं, जो दीपक फिनोलिक्स की हम बात कर रहे हैं. ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस रेवेन्यूज क्लाइम टू 2230 करोड़, 25% हायर देन प्रीवियस ईयर. एबिटा रजिस्टर्ड 804 करोड़, अप बाय 161%, रिजल्टिंग इनटू एबिटा मार्जिंस ऑफ 36%. गाइस, नाउ हियर इज द हीरो एंड द विलन ऑफ दीपक नाइट्राइट इन द शॉर्ट टर्म. विलन क्या आने वाला है, लेट मी पॉइंट इट आउट फॉर यू. On a standalone basis, revenues climbed to 2230 crores, 25% higher. That is impressive, right? But EBITDA jumped to 804 crores from how much? Like 804 crores tak hua by 161%. But what was this EBITDA gain led by? This was led by EBITDA margin expansion. So margin kahan se kahan expand karke EBITDA ka, from 18% to how much? 36%. So margin has nearly doubled. And now we can make sense ki why was company again and again talking about healthy realizations. So margins have expanded abnormally for a chemical business. Guys, just remember, when anything like this happens, you need to be careful because this is too good to be true. This cannot be sustained for a long period of time. Ki ek saal mein aapka margin double ho jayega. Bahut difficult hai companies ke liye ek saal mein margin double karna. So hum ye check karenge ki inka margin kyun double ho raha hai, right? So profit after tax stood at 544 crores, representing an improvement of 294%, as mentioned over there. Right? Now let's check ki why this has happened. So humne performance products ki pehle hi baat kar li thi, to ek bari yahan pe check karte hain aisa management bhi kya keh rahi hai. Just a second, guys. Basically, let's see that this performance was being partially caused by sub super normal realization in DASDA, right? तो डाजडा के अंदर, दिस इज डाजडा बेसिकली. तो डाजडा के अंदर क्या हुआ है, कंपनी का सुपर नॉर्मल रियलाइजेशन हुआ है ओइंग टू चाइनाज टेम्पररी डिस्ट्रप्शन एंड हेंस मे बी सीन इन लाइट ऑफ दिस. गाइस, ये जो मार्जिन एक्सपेंशन आया है, जो इतना भयंकर मार्जिन एक्सपैंड हुआ है फ्रॉम 18% टू 36% एबिटा मार्जिन, तो दिस मार्जिन एक्सपेंशन हैज हैपेंड ड्यू टू चाइना डिस्ट्रप्शन, राइट? चाइना डिस्ट्रप्शन. तो गोइंग फॉरवर्ड, majority of your company's turnover entails from domestic revenue, which stood at 58% of total revenues. So total revenue breakup mein domestic kitna hai? 58% ke aaspas. How much is domestic? 58%. 42% came from exports. So 42% revenue kahan se aaya hai? Exports se, right? So guys, another important source of information ki company is majorly dependent on domestic revenues, even though exports are also there. And company ka strategy hi kya rahe shuru se? Import substitution, right? जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कंपनी ऑलवेज टारगेट्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस. सो बैक्ड बाय स्टेडी डिमांड की एंड यूजर्स, द डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रू बाय 7%, व्हाइल सॉलिड डिमांड एंड की एक्सपोर्ट ज्योग्राफी लेड टू 61% इंक्रीज. तो 61% इंक्रीज एक्सपोर्ट रेवेन्यू में आया. हाउएवर, दिस स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट रेवेन्यू एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैज बीन पार्शियली कॉज्ड बाय डाजडा एक्सपोर्ट. तो बेसिकली इस केमिकल की प्रोडक्शन चाइना में बंद हो गई थी, एंड उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे आ गई, लाइक टेम्परेरीली बंद हुई थी, परमानेंटली नहीं हुई थी. तो उसकी प्रोडक्शन का बेनिफिट किसको आ गया? दीपक नाइट्राइड लिमिटेड को. इस वजह से सुपर नॉर्मल मार्जिन दिख रहे हैं, सुपर नॉर्मल ग्रोथ दिख रही है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ हायर रियलाइजेशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्टेड परफॉर्मेंस मोमेंटम ड्यूरिंग द ईयर सिंस ऑल SBUs हैव परफॉर्मड वेल. सो डिमांड इन एंड यूजर इंडस्ट्री रिमेन्ड रोबस्ट एंड योर कंपनी इज कैपिटलाइज ऑन दीज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स बाय डेमोंस्ट्रेटिंग एजिलिटी, nimbleness throughout its operations, right?
गाइस ये तो हमें स्टैंड अलोन इन्फॉर्मेशन बिजनेस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक बार अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो इनकी सब्सिडियरी है उसके ऊपर हमें क्या मिलती है, राइट। सो योर कंपनी इज होली ओन्ड सब्सिडियरी दीपक फिनोलिक्स लिमिटेड रिपोर्टेड इट्स फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन। Due to this, your company reported a robust momentum of on a consolidated basis too. So, company reported a robust momentum on a consolidated basis because of first year of full operations. With capacity to manufacture, jo humne pehle hi padh liya tha, extra, Deepak Phenolics has demonstrated success in operating a global scale efficiently run plant during the year as it recorded high capacity utilization above 90% on a sustained basis. माने कि आपने कैपेसिटी लगाई, आप कैपेसिटी में 100 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो आप अभी 90 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बनाने लग गए हैं, तो आपका यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 90% पे आ चुका है, राइट। तो गाइस यहाँ पे आई विल जस्ट पॉइंट आउट अनदर रियली इंटरेस्टिंग एंड अनदर रियली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगेन व्हाट इज दिस? अ बिजनेस अपडेट, राइट। एंड व्हाट इज दिस? अ केपेक्स अपडेट। तो जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा था अपने फ्रेमवर्क के अंदर, तो बिजनेस और केपेक्स अपडेट है गाइस, इट इज रियली इंपॉर्टेंट यू फोकस ऑन दिस। सो कंपनी इन्वेस्टेड 270 करोड़ टुवर्ड्स इनिशिएटिव्स ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड डीबॉटलिंग ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट्स। दिस एक्सपेंडिचर आल्सो कवर्स द न्यू 125 एकर लैंड परचेज एट दहेज ड्यूरिंग द ईयर। दिस लैंड इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड सराउंडेड बाय की सप्लायर्स एंड कस्टमर्स पेविंग वे फॉर एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। तो 125 एकड़ की इन्होंने लैंड खरीदी है इस साल दहेज में, राइट। कितने की? 125 एकड़ की, राइट। एंड व्हाट इज दिस लैंड गोइंग टू बी यूज्ड फॉर? फ्यूचर केपेक्स। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर की टेक अवे फ्रॉम दिस इज फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऑलरेडी आई हैव बॉट अ लैंड ऑफ 125 एकर्स दैट टू इन दहेज। एंड गाइस 125 एकर्स इज नो स्मॉल जोक, एज आई स्टिल रिमेंबर की 20-30 एकड़ के लैंड पे ही कुछ आप 60-70-80 करोड़ का भी केपेक्स कर सकते हैं। तो मे बी 125 एकड़ के लैंड में दीज गाइज माइट बी प्लानिंग अ केपेक्स ऑफ 300-500 करोड़ डाउन द लाइन। गाइज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दिस 125 एकड़ लैंड परचेज। एंड लैंड आप खरीदते ही क्यों है? ऑब्वियसली फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मे बी द फ्यूचर ग्रोथ गेट्स टेकन केयर ऑफ, बट दिस इज वॉट द एनुअल रिपोर्ट गिव्स मी इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। गाइज दिस इज वाई कीप आस्किंग इन्वेस्टर्स टू कीप प्लीज रीड एनुअल रिपोर्ट। Do not ignore reading annual report because annual report is one of the most important things, right? So yahan pe basically performance of business units hai. So isme we'll ignore abhi basic chemicals and fine chemicals, but we'll straight away go to your performance products jahan pe is bari abnormal growth aaya hai. Performance products, right? Over here. So PP segment reported a stellar performance during the year under review, growing robustly by 91%. Like translating to revenues of 768 crores, EBIT also recorded a solid growth of 403%. Guys, so this was the hero of Deepak Nitrite's stock returns in last 1 year. And going forward, what can happen that this can be a villain? Because such kind of growth, 403% ka EBIT growth, this does not seem to be sustainable, right? Why not? Because this has mainly come due to abnormal margin expansion and abnormal volume growth. और ये abnormal volume growth क्यों हुई? China के अंदर इसका shutdown हो गया था. As management already told us कि there was a Chinese-led disruption. China के अंदर basically Dazen OBA का capacity का disruption हो गया था, right? So your company's effort to reorienting its industry mix and geography mix to ensure better product acceptance played a major role in driving the performance. Further, your company is fully integrated supplier of OBA. During the year, company witnessed healthy realization gains, जो हमने पढ़ा था, owing to temporary China disruption. माने ये disruption अभी temporary है. जैसे ही Chinese capacity comes back, right? Whenever China comes back, what will happen is your margins are going to compress. तो अभी जो 403% का EBIT growth इतना extraordinary आ गया है, तो क्या होने वाला है इस business में? शायद से अगले एक दो साल में degrowth आ सकती है. काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बिजनेस 12-13 की पीई पे क्यों मिलता है डिस्पाइट हैविंग आरओसी ऑफ 36% आरओई ऑफ 40% के आसपास. द मेन रीजन इज दिस बिकॉज़ दोज आर आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड एट द करंट मोमेंट, राइट. इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस बिकॉज सच इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन एनुअल रिपोर्ट इजिली,
some managements have, do give very simple and lucid information. So this is one of the better annual reports. And annual report ka disclosure sometimes do tell us about the quality of the management, but not necessarily. Kuch companies aise bhi hain jo bina annual bahut plain annual report banati hai, but business unka bahut strong hota hai. Uske liye hum different sources of research use karte hain, right? Guys, यहाँ पे अगेन फिनॉल्स का है. फिनॉल्स का ये डाउन स्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने इनकी स्ट्रेटजी में पढ़ी ली है. एंड दिस इज द ज्योग्राफिकल ब्रेकअप. तो FY 19-20 में यूरोप 45% ऑफ सेल है, एशिया 41% है, यूएस 7% है, अदर्स भी 7% है. दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ हो रहा है, राइट? तो गाइस दिस कवर्स आवर MD&A एनालिसिस. इसके बाद स्वॉट एनालिसिस दे रखे हैं उन्होंने. समवन वांट्स टू रीड दे कैन. So I'll just go through a couple of points in the annual report from here on. So we can ignore these. So yahan pe hum jo notice hai, notice mein kabhi kabhi hum jo ninth notice is thereby given to 49th annual general meeting of Deepak Nitrite Limited, which will be held on 7th August at 11:30 a.m. through video conferencing and other audio visual means to transact the following business. So yahan pe these guys will tell ki what is the purpose of AGM, and sometimes what they also do, they sometimes also pass resolutions. So kabhi kabhi special resolution pass kari jati hai, right? So just a second, guys. All right, guys. So guys, this is what sometimes they also give out, like some kind of koi resolution aa jata hai, special resolution. To uske andar kabhi kabhi kya hota hai, QIP mentioned hoti hai ki QIP ke liye we have brought out a resolution. So SSA different types of resolutions hote hain. Guys, coming down in the annual report, so one can ignore some of these things, right? So coming down, so yahan pe now we'll find the financial result. Jo director's report hai, usme hamein financial results milte hain, and basically company ki performance ka ek review milta hai. तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी हैज ग्रोन फ्रॉम 2715 करोड़ टू 4264 करोड़ विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ वन ईयर. एंड हाउ कम दिस पॉसिबिलिटी केम इनटू रियलिटी वाज बिकॉज ऑफ लाइक द ऑपरेशंस व्हिच कमेंस्ड एट दीपक फिनॉल्स, लाइक दीपक फिनॉलिक्स, जहां पे फिनॉल्स एंड एसीटोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, राइट? तो कमिंग डाउन, तो व्हाट आल्सो आई कैन डू ओवर हियर इज आई कैन जस्ट टेक द नेट प्रॉफिट एंड डिवाइड दिस बाय द सेल्स. And like जो भी आंसर आता है उसको into 100% कर दूंगा तो मेरे को net profit जो net profit margin है वो भी पता लग जाएगा. Similar thing I can do with EBITDA. EBITDA margin अगर ढूंढने तो 804 crores divided by 2237 crores into 100%. So this will also give me the EBITDA, right? Guys, coming down, तो यहाँ पे again director's report में you'll also get good amount of information कि कितना dividend दिया है, कंपनी का परफॉर्मेंस कितना रहा है, राइट? एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, थोड़ा सा उसका आइडिया लग जाता है. फिर यहाँ पे कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनका पता लग जाता है कि हु इज दिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. तो डिलॉयट हैस्किन सेल्स LLP चार्टर्ड अकाउंटेंट इज बेसिकली द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी. देन हु इज द सेक्रेटेरियल ऑडिटर एंड हु आर द कॉस्ट ऑडिटर्स, एवरीथिंग इज मेंशनड ओवर हियर. गाइस जस्ट कमिंग डाउन, राइट? So secretarial audit report is also over here. So one can also read the audit report, but I think it is important to read the audit report of the independent auditor. Usme thoda zyada information milta hai. So guys, just coming down in the annual report over here. All right, guys. So this is a very interesting page, right? So yahan pe statutory reports ke andar aake, again, what we can find is ki principal business kya hai. Again, एक प्रोडक्ट, फिर OBA. तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टर्नओवर को, वो यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं. अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अगेन दिस प्रोडक्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट. अगेन व्हाट इज दैट? OBA, राइट? तो OBA कितना है परसेंटेज टर्नओवर कंपनी का? 16% के आसपास, राइट? एंड हमने क्या देखा था कि परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में आर्टिफिशियली क्या एलिवेट हो रखे हैं इस टाइम पे? मार्जिन्स आर आर्टिफिशियली एलिवेटेड इन परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स. सो गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि गोइंग फॉरवर्ड दीज मार्जिन्स कैन लाइक कंप्रेस. तो मार्जिन्स ये यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड. तो अगर मेरी 100 रुपए की सेल है,
उसमें से 16 रुपए का मेरा जो सेल है वो कहाँ से आ रहा है, ओबीए में से बेसिकली. तो गाइस जस्ट बी अ लिटिल कॉशियस एट दीज वैल्यूएशंस. तो ये वैल्यूएशंस शायद से हमें आर्टिफिशियली इसका पी डिप्रेस दिख रहा है इस टाइम पे, क्योंकि आर्टिफिशियली डिप्रेशन लाइक डिप्रेस होने की वजह से गोइंग फॉरवर्ड दिस पी कैन इन्फ्लेट, बिकॉज यहाँ पे ईबिट मार्जिन एक प्रोडक्ट में काफी ज्यादा बढ़ गया है, राइट. तो फिर यहाँ पे हमें प्रमोटर होल्डिंग पता लगती है. तो प्रमोटर होल्डिंग इज फ्रॉम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 44.86%. लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर यू. सो प्रमोटर होल्डिंग फ्रॉम 44.86% हैज इंक्रीज्ड टू हाउ मच, हैज इंक्रीज्ड टू 45.69%. एंड कितने से इंक्रीज हुई है इस बारी, 0.83% से. दिस इज फ्रॉम लाइक फ्रॉम दिस अमाउंट द प्रमोटर होल्डिंग हैज गॉन अप, राइट. कमिंग टू द इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इन द कंपनी, तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यहाँ पे हमें मिल जाएगी पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंडर. तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका होल्डिंग इस कंपनी में 14.95% से. लेट मी जस्ट एनोटेट इट फॉर यू, जस्ट अ सेकंड गाइस. तो म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है इस कंपनी में 14.95% से इस साल कितना हो गया है, बेसिकली 15.25%. तो कितने परसेंटेज से इंक्रीज करा, 0.3% से. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका घट गया है इस बारी. पर जो AIFs है, बेसिकली व्हाट आर AIFs और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो उनका जो इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है 0.06% से 0.23% हो गया, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 0.17%. एंड जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनका भी 10.28% से 10.96% हो गया, अगेन इवन दैट हैज इंक्रीज्ड. दैट जस्ट गिव्स यू अ लिटिल इनसाइट कि व्हाट द इंस्टीट्यूशनल गाइस आर गोइंग टू डू, व्हाट आर दे अप टू, राइट. तो गाइस जस्ट कमिंग डाउन, तो यहाँ पे अब हमें टॉप 10 शेयर होल्डर्स का नाम पता लगता है. सो बेसिकली पहले टॉप 10 से जाने से पहले विल गो टू द डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप. तो जो प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग है वो हमें यहाँ पे पता लगती है कि चिमन लाल के मेहता, विच इज बेसिकली सी के मेहता, तो ही होल्ड्स राइट नाउ 0.69%. सो दीपक सी मेहता होल्ड्स 0.25%, राइट. तो यहाँ पे अगर हम नीचे आएंगे, सॉरी गाइज, सो बेसिकली like Chiminlal K Mehta holds 0.75%, that is the percentage change in the shareholding. So Deepak C Mehta holds close to 15.56%. So Deepak C Mehta, what he has done this year, he has increased his shareholding by 0.25%. And these are majorly the major trends. So yahan pe major shareholder kaun hai aapke yahan jo promoter ke andar, major shareholder is Deepak C Mehta, right. And Chiminlal K Mehta is also I think he was a founder of the company. So Step Up Credits Capital Private Limited holds 5%. The Checkpoints Credit Capital Private Limited again holds 5%. The Stifin Credits and Capital Private Limited holds another 6%, right? So 45% yahan pe aa jata hai. Right, so yahan pe again changes in promoter holding is also mentioned here. So Deepak C Mehta again has done market purchase. Why do I like this is because, see, just think about it. Sometimes if the management is buying its own stock, basically management is bullish on its own business. So this gives you a little kind of insight ki achha cheez hai ki if the management is buying its own stock. But do not take it on the face value, can also mean the opposite ki they're trying to fool the retail investors. So thoda sa achha indication phir bhi hota hai if the management is trying to buy its own stock. बिकॉज बाकी सारे प्रमोटर्स भी स्टॉक खरीद रहे हैं जो मार्केट परचेज देख रहे हैं. गाइस ये इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स की यहाँ पे शेयर होल्डिंग आ जाती है हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर. फ्रैंकलिन इंडिया, LNT, DCS इन्फोटेक, आदित्य बिरला, IDFC वैल्यू फंड, राइट. आशीष कचौलिया ऑल्सो ओन्स फ्रॉम 0.59% इज होल्डिंग एज वॉलन टू 0.47%. आशीष कचौलिया का आई पॉइंट आउट बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप इन्वेस्टर्स इन इंडिया, आशीष कचौलिया, राइट. So 0.55% से कितना स्टेक आ गया है, बेसिकली इट हैज फॉलन डाउन टू 0.47%. सो बेसिकली स्टेक हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम हाउ मच, फ्रॉम 0.55% टू 0.47%. तो ये डिफरेंट डेट्स पे साल की कितना स्टॉक ओन करता था, दैट इज व्हाट इज मेंशन फॉर आशीष कचौलिया. इज वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप इन्वेस्टर्स अराउंड गाइस. तो इट ऑल्सो गिव्स यू सम काइंड ऑफ इनसाइट कि अ गुड मिड कैप इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी, राइट. तो यहाँ पे इन डेटनेस का स्केड्यूल आ जाता है, फिर ग्रॉस सैलरी का आ जाता है, सैलरी पता लग जाती है कि प्रमोटर्स कितना अर्न कर रहे हैं. तो जो रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स है वो हमें यहाँ पे मेंशनड होता है. तो गाइस अब यहाँ से आफ्टर लुकिंग एट द रेम्यूनरेशन वी कैन चेक कि रेम्यूनरेशन कितना है.
तो दीपक सी मेहता गेट्स क्लोज टू हाउ मच, ही गेट्स क्लोज टू 13.92 crores, राइट? तो 13.92 crores इज बीइंग गिवन टू दीपक सी मेहता, एंड श्री उमेश असाइकर इज बीइंग गिवन 6.47 crores, 13.92 crores. श्री मौलिक मेहता इज बीइंग गिवन 1.53 crores. दिस इज व्हाट आई लाइक. सो श्री मौलिक मेहता इज द सन ऑफ श्री दीपक मेहता, तो ही कुड हैव बीन गिवन मोर, बट like an executive like Umesh Asailkar, who is going to get a new post in the company, he is being paid higher than the promoter's own son. So these are kind of small indications which tells you that a promoter really values longevity of employees more. Because Shri Sanjay Upadhyay, who is the CFO of the company, right? Even he is being given 3.13 crores, which is higher than the promoter's own son. So that also tells you it is some kind of an indication कि सैलरी लेवल में भी जो पुराने एम्प्लॉयज हैं या तो जो लॉयल एम्प्लॉयज हैं उनको प्रमोटर के खुद के बेटे से ज्यादा सैलरी दी जा रही है. तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच आर लाइक इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी, कि हाउ द मैनेजमेंट इज थिंकिंग. एंड दिस कुड बी फेयर एज वेल बिकॉज दोज आर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज एंड दे वर्क फॉर द कंपनी फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास टोटल सैलरी है. एंड एज पर सीलिंग कितना होता है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. तो आप 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते एमडी को, राइट? जो भी की मैनेजरियल पर्सन वाले बिजनेस का, केएमपीस को 10-11% से ज्यादा ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं दे सकते. तो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट कितना होता है, 82 करोड़ के आसपास, राइट? तो अगेन गाइस, इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस. तो जस्ट गेटिंग डाउन, तो यहाँ पे गाइस इट इज मेंशन्ड द रेम्यूनरेशन ऑफ अदर डायरेक्टर्स. तो सम पीपल से कि 10% है अगर किसी कंपनी का, अगर कोई भी केएमपीस 10% के आसपास सैलरी टॉक कर रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव. बट आई थिंक गाइस इट इज बेटर इफ वी टेक केस बाय केस बेसिस, क्योंकि केस बाय केस बेसिस में लेने पे बेटर रहता है.